तो एवरी वन सो आज हम म्यूचुअल फंड का पूरा एंटायरली रिवीजन करेंगे जहां पर मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगा अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं तो भी टेंशन की कोई बात नहीं हम कोशिश करेंगे कि आपको सभी चीज़ें अच्छे चीज़े से समझ में आए एंड फटाफट हम करेंगे मतलब मैं कोशिश करूंगा मैं ज़्यादा रिपीट ना करूँ चीज़ों को क्योंकि हमें रिविज़न करना है तो मैं टाइम का कंस्टेंट भी रहेगा तो ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा पर हाँ कोशिश रहेगी कि सभी चीज़ें आपको समझा सूँ यहाँ पर और बहुत ही ईजी वे में हम समझ लेंगे क्योंकि म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी टफ नहीं है बहुत ही सिंपल है और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा उस तरीके से तो आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी लगने वाला है यहाँ पर और जैसे कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं पोर्टफोलियो के लिए पोर्टफोलियो ऑलरेडी है पोर्टफोलियो का लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोडेड है मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दो सेवन आवर्स का वीडियो है वो देख लोगे तो आपका मतलब क्लियर हो जाएगा पूरे अच्छे से पोर्टफोलियो विदाउट एनी फार्मूला आपको पोर्टफोलियो समझ में आएगा पूरे अच्छे से एंड सभी चीज़ें बहुत ही आसान लगने वाली है इसके अलावा फॉरक्स के रिगार्डिंग भी स्टूडेंट्स का कहना है फॉरक्स का रिविजन जी हाँ वो भी आएगा वो भी आएगा पहले एक एक करके म्यूचुअल फंड कंप्लीट कर लेते हैं अच्छी तरीके से सो तो आई होप अभी हम एक मिनट और रुक जाते हैं जब तक बाकी सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाए एंड उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे ठीक है एंड आपके पास अगर स्टडी मटेरियल है तो चलेगा बाकी अभी आप स्क्रीन पे देखते रहिए और जो नोट्स हैं ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा बहुत सारी चीज़ें मैं खुद ही लिखा के सॉल्व कराऊंगा क्योंकि उससे आपकी क्लैरिटी और ज़्यादा बनेगी एंड इस चीज़ का मैं ध्यान रखूंगा बाकी आप मेरा क्वेश्चन बैंक टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा प्रतीक जगह सर्च करोगे टेलीग्राम में तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपके साथ जी हाँ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा वहां पर आपको इसका पी जो है आफ्टर क्लास जब लाइव क्लास हमारी खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं पी प्रोवाइड कर दूंगा क्वेश्चन बैंक भी वहां पर ऑलरेडी अपलोडेड है गूगल ड्राइव की लिंक वहां पर प्रोवाइडेड है तो आपको वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है So, अब हम आई थिंक ऑलरेडी काफी सारे रेस्टोरेंट से जुड़ चुके हैं और अब हम स्टार्ट कर सकते हैं चलिए तो फिर आज हम म्यूचुअल फंड रिवाइज करेंगे अच्छी तरीके से तो पहले म्यूचुअल फंड के बारे में दो मिनट मेरी बात सुनो अच्छी तरीके से हर इसी कह रहे कॉर्पोरेट वैल्यूएशन करा तो करा दिया आप देखो ना आप प्ले लिस्ट में जाके तो अभी हम फिलहाल मैं कमेंट आपका नहीं पढ़ूंगा बीच बीच में जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा एंड कुछ डाउट्स आएगा तो उसे रिलेटेड कमेंट्स कीजिएगा एंड जरूर से मैं पढ़ूंगा एंड आगे हम देख लेंगे कि क्या डिस्कशन करना है पहले जो मुद्दा है हमारा इज म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहिए हमें फटाफट से और म्यूचुअल फंड हम फटाफट खत्म करेंगे तो म्यूचुअल फंड के अंदर बेसिकली मैं आपको बता दू म्यूचुअल फंड एंटिटी होती क्या जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रतिक जगाती इंसान हूँ मुझे शेयर्स वगैरह में पैसे लगाने डिबेंचर्स वगैरह में पैसे लगाने अलग अलग बॉन्ड्स वगैरह में पैसे लगाने पर मैं एक जॉब करने वाला बंदो मुझे नॉलेज नहीं है सिक्योरिटी शेयर्स वगैरह मुझे नॉलेज नहीं और मेरे पास ऐसे भी नहीं कि बहुत सारा पैसा है थोड़ा बहुत पैसा है जो मैं लगा सकता हूँ और डे टू डे मैं मैनेजमेंट भी नहीं कर सकता कि कब खरीदना है कब बेचना वगैरह वगैरह ये मैं नहीं कर सकता तो वहां पर मिडिल रोल प्ले करता है मिडिल कौन हो गया म्यूचुअल फंड एंटिटी हो गया जैसे कि ट्रस्ट वगैरह ये क्या करते ये इंडिविजुअल से पैसे लेते जैसे म्यूचुअल फंड एंटिटी क्या करेगी मेरे जैसे प्रतीक जगाती होगी यहाँ पर मोहित राणा जी है मन्नत शर्मा नेहा जोशी बहुत सारे जो आप लोग हो हम सभी से वो क्या करेगा थोड़े थोड़े पैसे लेगा थोड़े थोड़े पैसे लेके म्यूचुअल फंड एंटिटी के पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे क्योंकि उसने कई सारे इंडिविजुअल से या फिर अलग दूसरे दूसरे एंटिटी से भी बहुत सारे पैसे ले रखे तो उसके पास ढेरों पैसे हो जाएंगे वो बहुत सारे पैसे वो क्या करेगा इन्वेस्टमेंट करेगा कहां पर बहुत सारी अलग अलग सिक्योरिटीज खरीदेगा सिक्योरिटीज यानी शेयर्स खरीदेगा डिबेंचर्स खरीदेगा बॉन्ड्स खरीदेगा है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करेगा और अल्टीमेटली जो रिटर्न्स आएगा वो रिटर्न्स अल्टीमेटली जो जिससे पैसे लिए गए थे इंडिविजुअल से उनको पास ऑन कर दिया जाएगा उनको डिविडेंड के रूप में इस या फिर कैपिटल गेन के रूप में उनको पास ऑन कर दिया जाएगा तो यहां पर आप बेसिकली देखिए अगर हम म्यूचुअल फंड एंटिटी की बात करें तो इनका कोई बिजनेस नहीं है म्यूचुअल फंड एंडिटी एजेंट की तरह देखा जाए तो एक मिडलमैन की तरह तो ये कभी भी अपने जो होल्डर्स होते जो इसके ओनर्स होते हैं उनको ये शेयर्स कभी भी इशू नहीं करती है उनको ये इशू करती है यूनिट्स क्योंकि म्यूचुअल फंड एंटिटी थर्ड पार्टी जो क्या करती है पैसे लेके दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट करती है मेडल मैन की तरह तो ये हमेशा यूनिट्स इशू करती है ये शेयर इशू नहीं कर सकते तो वैसे देखिए इसने मान लीजिए एक बैलेंस शीट में एक एक्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूं ये एक्साम्पल आप ध्यान दे दीजिएगा तब हम फटाफट आगे गो थ्रू कर पाएंगे आपको सभी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएगी यहाँ पर तो आप देखिए यहाँ पर हंड्रेड लाख रुपीज इसको फंड्स मिले कैसे म्यूचुअल फंड एंटिटी ने टेन लाख यूनिट इशू किया और एक यूनिट का प्राइस रुपीज टेन करके इसने चार्ज किया तो हंड्रेड लाख रुपीज इसके हाथ में आ गए तो इसके बैंक बैलेंस में कैश हंड्रेड लाख रुपीस रहेगा तो देखिए हंड्रेड लाख रुपीज का यूनिट इशूड यूनिट कैपिटल हो जाएगा और हंड्रेड लाख इसके पास कैश आ गए अब ये हंड्रेड लाख रुपीज इसके पास कैश आ जाएगा इसका ये क्या करेगा ये अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करेगा मल्टीपल सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करेगा तो यहां पर ध्यान देना एक बार थोड़ा सा स्लो जा रहा हूं फिर मैं पीस पकड़ लूंगा रिविजन है तो मुझे भी पता है ये चीज तो यहां पर आप देखो अब इसने क्या किया इस हंड्रेड लाख रुपीज में से इन्वेस्टमेंट किया इसने रिलायंस के शेयर खरीद लिए बहुत सारे टीसीएस के बहुत सारे शेयर खरीद लिए इन्फोसिस के बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए ट्राइडेंट कंपनी के बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए तो ये बहुत सारे तो जब ये शेयर्स खरीदेगा तो पैसे भी तो देने पड़ेंगे तो ये पैसे देगा तो इसका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा साथ ही साथ इसने टेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी खरीदा जिसमें टेन परसेंट का इसे इंटरेस्ट मिलेगा तो ट्वेंटी लाख रुपीज इसने यहां पर भी खर्च कर दिए कुल मिलाकर इसने एट्टी टू लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया तो एट्टी टू लाख इसका बैंक से घट जाएगा ना से क्या हुआ ड्यूरिंग खरीदे ना इसकी कमाई है डिविडेंड कितने मिले टेन लाख रुपीज मिला डिविडेंड तो ये देखो एटी टू लाख रुपीजेस किया था सिक्योरिटीज बहुत सारे और बाद में से ड्यूरिंग ईयर टेन लाख रुपीज का डिविडेंड मिला तो बैंक में पैसे आए टेन लाख रुपीज

अब बात है म्यूचुअल फंड एंटिटी है बहुत सारे स्टाफ पर्सनल को रखेगी एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा वगैरह वगैरह मैनेजमेंट एक्सपेंसेस भी तो होगा तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस मान लेते हैं इनका कितना हुआ पता है फिफ्टी थाउजेंड रुपीज हुआ यानी पॉइंट फाइव लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज इसका मैनेजमेंट एक्सपेंस हुआ तो जो भी मैनेजमेंट खर्चा है वो पीएल में चार्ज कर दिया जाएगा तो फिफ्टी थाउजेंड मैनेजमेंट का खर्चा हुआ पर इसने पेमेंट पूरा नहीं किया इसने फोर्टी ही पेमेंट किया तो पेमेंट जितना करेगा बैंक से तो उतना तो ही कम होगा तो फोर्टी तो थाउजेंड तो हमने पेमेंट कर दिया और टेन थाउजेंड हमारा पेमेंट करना बाकी यहां पर और यह हमारा तो रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारा करा हुआ है यहां पर तो कुल मिला के मुझे क्या दिखा मुझे बैलेंस दोनों साइड मैच कर रहा है दोनों साइड बैलेंस मैच कर रहा है यहाँ पर आराम से कोई टेंशन वाली बात नहीं पूरा बैलेंस हमारा मैच कर रहा है और ओवरऑल प्रॉफिट अगर हम देखिये तो इलेवन पॉइंट फाइव लाख का हमारा ओवरऑल प्रॉफिट है क्वेश्चन पूछेगा क्या क्या, कि क्या है बताओ। एनएवी का फुल फॉर्म समझ लीजिए एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट हो नेट एसेट एसेट वैल्यू वैल्यू एनएवी का फुल फॉर्म क्या होगा होगा तो नेट एसेट वैल्यू हमारा बिगिनिंग में तो दस रुपए ही रहेगा पर शेयर की अगर मैं बात करूं टेन लाख यूनिट इशू क्या हुआ हंड्रेड लाख का आपका ओवरऑल कैपिटल आया था तो बिगिनिंग में तो एनएवी टेन रुपीज पर यूनिट था लेकिन एंड में जो एनएवी आएगा

तो यानी आपका पर यूनिट इलेवन पॉइंट वन फाइव आपका एंड हो गया। एंड में एनएवी पर यूनिट कितना हो गया और ये ऐसे भी पता चलता है तो दस लाख में कमाया गया तो एक यूनिट में कितना कमाया गया? कमाया गया तो टेन प्लस इलेवन पॉइंट हो जाएगा आपका तो ये एनएवी आ गया अब सोचो ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज है इसका मार्केट वैल्यू भी तो कैपिटल भी तो हो सकता है तो मान लो अगर इसका कैपिटल इसका वैल्यू अगर 87 लाख हो जाता तो हम क्या करते हैं तब हम यहां पर 82 की जगह पे 87 लाख लेते और ये भी 115 111 की जगह 116.5 लाख होता और फिर ये भी आपका सिक्सटीन पॉइंट हो जाता है फिर है ना तो ये भी पॉसिबिलिटी है मैं एक बार इसे काट दे रहा हूं यहाँ पर

वॉल्यूम वगैरह सब कुछ आ रही है ना एक बार कमेंट करके मुझे बता दो कोई बंदा कह रहा है वॉल्यूम नहीं आ रही है टेंशन हो जाएगी इतना कुछ पढ़ा दिया पंद्रह मिनट तक फटाफट से कमेंट करके बता दो वॉल्यूम वगैरह सब कुछ परफेक्ट है यानी एक बार मुझे बता दो मुझे टेंशन हो रही है फटाफट से मुझे बता दो नहीं तो फ्लो टूट जाएगा तो यहाँ पर आप देखिए एन आपका पर यूनिट ये हमारा आ चुका है तो आई थिंक आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया अगर समझ में आ गया तो फटाफट से कमेंट करो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और वॉल्यूम भी परफेक्ट है यानी ये भी अच्छे से बता दो मुझे ठीक है ऑल ओके सब कुछ आ रही है अच्छे से चलो बहुत ही अच्छी बात तनवीर जी मोहित जी संदीप जी चलो ठीक है परफेक्ट धरा जी वरुण जी सब कह रहे हैं कि परफेक्ट चल रहा है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है नमन जी एफ की बात अभी क्यों करो करेंगे ना बाद में अभी एस में आ रहे हो होम पढ़ना पढ़ लो एफ की बात करो तो अभी बात करने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है अननेसेसरी अब एफ की बात करो अभी अभी, अभी फिलहाल जो टॉपिक हम लेके रखिए उसके बारे में बात करें ना तो अभी एफ की बात नहीं करेंगे अभी हम एफ की बात कर रहे हैं एस में म्यूचुअल फंड पढ़ रहे हैं कौन एफार, कौन एफार का टीचर कौन प्रतीक जगह मैं तो पहचानता ही नहीं हूँ मैं एफ पढ़ाता भी हूँ क्या मुझे ये भी नहीं पता अभी मैं सिर्फ एस के बारे में जानता हूँ ठीक है तो अभी सिर्फ एस की बात करेंगे तो चलो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर सेवन है एंड ये आपका एम में भर भर के आया हुआ क्वेश्चन एम टीपी में भर भर के पूछा हुआ क्वेश्चन है और मैं क्या करूँ वेराइटी जैसे एक तीन चार क्वेश्चन सेम वायटी के तो उसके एक क्वेश्चन आपको करा दूंगा इस तरीके से करेंगे कि सारे के क्वेश्चन आपके हो जाए और एंड में आपको लगेगा है। है? हाँ लाइव ले रहा हूं बाद में आगे वीडियो नहीं रखूंगा मैं। आप जो लाइव वो देख लेगा जो लाइव नहीं देखेगा वो गया काम से ठीक है तो इसलिए मैंने लाइव रखा है ताकि लाइव तक चलेगा जो जो लाइव देख लेगा देख लेगा बाद में वीडियो डिलीट हो जाएगा तो आप देख लो आपको लाइव देखना है या नहीं देखना क्वेश्चन नंबर टेन यहां पर देखिए सिंड्रेला म्यूचुअल फंड का फॉलोइंग एसेट्स एंड स्कीम रूडोल्फ एट द क्लोज ऑफ बिजनेस तो आप देखिए म्यूचुअल फंड एक सिंट्रेला लिमिटेड एक म्यूचुअल फंड कंपनी है इसने अलग अलग कंपनीस में पैसे लगा के रखे ये इन्वेस्टमेंट है ये सारी कंपनी में इसने इतने सारे शेयर खरीदे हुए हैं और इसका मार्केट प्राइस भी हमें बता दिया आज के डेट का क्या मार्केट प्राइस है है ना तो आप अगर मैं बैलेंस शीट फॉर्म में जानबूझ के पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं बाद में ऐसे ओरिएंटेड आंसर भी दिखा दूंगा मैं आपको टेंशन की कोई बात नहीं बैलेंस शीट से आपको क्लैरिटी मिलती है

टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो इशू किया गया है वो टेन लाख like किया गया है। चलो अच्छी बात है, है। एक्सपेंस मतलब नहीं हुआ पर हमने पेमेंट नहीं किया है तो ये हमारे लिए क्या होगा लाइब्रेटी होगा ठीक है और अदर लाइब्रेटी भी टू लाख रुपीज का तो देखा जाए तो हमारा एक दो लाइब्रेटी यहां पर दिख रहा है मुझे एक ढाई लाख का लाइब्रेटी और एक दो लाख का लाइब्रेटी

41.57 अब IC का प्रेजेंटेशन देखिए सिंपल है आप ऐसे प्रेजेंट करते हैं एग्जाम में है ना सेट्स नंबर ऑफ सेट्स इनटू प्राइस नाम लिख दिया नंबर ऑफ सेट्स इनटू प्राइस ऐसे करके चारों लिखा तो ये वाला फिगर आ जाएगा फोर टू जीरो टू जीरो ट्रिपल जीरो आ जाएगा अब मैंने ये तो यहाँ पर समझाने के लिए लिखा आप ऐसे भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं एग्जाम में पर ठीक है अगर आपको आईसीए ओरिएंटेड लिखना है तो लेस एक्रूड एक्सपेंसेस अदर आप ऐसे माइनस कर देना अल्टीमेटली आपका ये वाला फिगर आ जाएगा जो इसका डिफरेंस वाला फिगर है और डिवाइड बाई टेन थाउजेंड करोगे फोर्टी वन पॉइंट फाइव सेवन जो आना वो आ जाएगा है ना तो प्रेजेंट एक बार समझा हुआ रहेगा तो प्रेजेंटेशन तो आराम से कर लोगे यहाँ पर तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है कुछ नहीं है एन मतलब ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटी टोटल आ जाएगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर देना पर यूनिट आ जाएगा किस्सा खत्म बात खत्म आई थिंक आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया अब हम आगे बढ़ सकते हैं इज क्वेश्चन नंबर में हम आगे बढ़ते फटाफट से बढ़ते हैं आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है फटाफट से बता दो आगे बढ़ते हैं करण जी ये वीडियो यूट्यूब में नहीं रहने वाली है. आपको अभी ही देखना पड़ेगा अदरवाइज आगे नहीं मिलने वाला आगे ये वीडियो यूट्यूब से हट जाएगा तो जाओ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में और फटाफट जैसे मैं क्वेश्चन खत्म मुझे कमेंट करके बताना समझ आ गये। तब मुझे आगे बढ़ने में परेशानी नहीं होगी मेरे दिमाग में डाउट चलते रहेगा समझ आया नहीं आया समझ आया है, नहीं आया है। तो बता रिलेटेड कोई डाउट होगी मुझे कमेंट करते रहना मैं देखता भी रहूंगा। आपका कमेंट में देखता भी रहूंगा ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखते हैं ये भी स्टडी मेटेल का एक फेयर रिटर्न म्यूचुअल फंड कंपनी जिसका फॉलोइंग एसेट्स है देखिए अलग अलग इनटू मार्केट प्राइस इनटू मार्केट प्राइस करके बाद ठीक है और भी बता दिया, हाँ ठीक है कटवा दूंगा जाओ अभी बाद में ठीक है तो यहां पर अब देखो, पहला पॉइंट नंबर पूछा बोला कि आप एनएवी बताओ क्या दिक्कत है आराम से बताओगे बोलोगे

तो राउंड ऑफ में है पर अदरवाइज यही आपका एक्यूरेट आंसर है और एन एवी जितना ज्यादा डेसिमल में उतना अच्छा रहता है तो हमारा आंसर आ गया वन वन नाइन पॉइंट जीरो फोर सेवन फाइव तो देखिये पहला वाला पार्ट में तो कोई टेंशन है ही नहीं दूसरा वाला पार्ट आपको ध्यान देना अच्छी तरीके से ठीक है और यहां पर एग्जाम के लिए स्टार भी देना जहां पर जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होगी उसको मैं मार्क भी करा दूंगा हमने एनएवी निकाल दिया कितना निकाला वन वन नाइन पॉइंट जीरो फोर सेवन फाइव पर यूनिट अब उसी दिन फर्स्ट अप्रैल को मान लो एक मिस्टर एक्स एक इंडिविजुअल है कोई जो है ठीक है उसने फिफ्टी लाख रुपीज का चेक दिया टू द फंड एंड द फंड मैनेजर इमीडिएटली लिमिटेड और बैलेंस है नाइन फाइव टू थ्री एट ट्रिपल जीरो आया ऑल एसेट माइनस ऑल लाइबिलिटी ऐसे तो एन तो इतने का एन है अब इसमें से सोचो अगर कोई बंदा पचास लाख रुपए का चेक दे देगा तो एसेट पचास लाख से बढ़ जाएगा यूनिट बढ़ेगा लाइब्रिटीटी तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि पैसे उधार थोड़ी नहीं उसने तो यूनिट्स खरीदे तो 50 लाख का टोटल बढ़ जाएगा ना तो, तो टोटल एन 50 लाख अगर और जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा हंड्रेड जीरो टू आ जाएगा ना वन डबल जीरो जीरो टू बार कितना आएगा 952 फिफ्टी टू और इधर 50 आ जाएगा तो थाउजेंड आ जाएगा ना डबल जीरो टू एट ट्रिपल जीरो ना वन डबल जीरो इतना वैल्यू यहां पर आ जाने वाला अगर 50, 000, 000, रुपीस का मुझे चेक मिलेगा तो एनएवी हो गया नंबर ऑफ यूनिट्स कुछ बदलेगा वो मैं आपको बताऊंगा और आपका एनएवी पर यूनिट आ जाएगा अब मैं आपको बता रहा हूं कि हुआ क्या देखो ध्यान दो यहां पर फिफ्टी लाख रुपीज का एक मान लो आप में से कोई बंदा है मैं नाम ले लेता हूं राजीव कुमार

लाख उसने और धरा जी को दिया समझ लीजिए पचास लाख के बदले तो मेरा यूनिट्स कितना हो गया एट लाख फोर्टी टू थाउजेंड हो गया अब मेरा बैंक बैलेंस जो मेरा एनएवी है ये सारा मेरा एनएवी है उसमें बैंक बैलेंस भी तो बढ़ जाएगा मेरे बैंक में कितने आगे पैसे

तो कितना आ गया? तो मेरे पास बचा कितना 50, 000, था मेरे पास. से 47, 59, खर्चा कर दिया टू फोर्टी एट हंड्रेड मेरे पास पैसा बचा तो कैश बैलेंस मेरे पास जो बचा वो टू फोर्टी एट हंड्रेड बचा तो वही चीज हम आगे करेंगे आगे पॉइंट नंबर बी में हम क्या करेंगे हम बताएंगे हमारा क्या पोजीशन है देखो हमारा ए लिमिटेड में बी लिमिटेड में डी लिमिटेड ई लिमिटेड में पोजीशन सेम रहेगा ये सेम एग्जैक्ट है यहां से कॉपी कर सकते हो सेम पोजीशन रहेगा बस ये सी लिमिटेड में हमारा पोजीशन बदल जाएगा क्योंकि पहले 10000 शेयर्स था हमने 18000 और खरीद लिए तो आपका 28000 शेयर्स हो चुका ये देखो पहले से टेन थाउजेंड था टू सिक्सटी फोर पॉइंट फोर करके हमने अठारह हजार और खरीद ली तो जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया है ना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितने से बढ़ गया फोर्टी सेवन फिफ्टी नाइन टू हंड्रेड से तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर फोर्टी सेवन फिफ्टी नाइन टू हंड्रेड से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा और एक ये टू फोर जीरो एट डबल जीरो कैश बैलेंस एक्स्ट्रा से आ गया हमारा ठीक है ये दो पॉइंट में स्टार दे देना ठीक है तो ये दोनों को अगर आप टोटल करोगे तो आपका फिफ्टी लाख आ जाएगा

ना, कोई कमाई होती है तब एन बढ़ता है कमाई थोड़ी ने हुई यहां पर यहाँ पर तो बस हमने पैसे आए और हमने एक्स्ट्रा शेयर खरीदे कोई कमाई नहीं हुई अभी तक तो एनएवी पर यूनिट वही रहने वाला है अब ये हमने समझ लिया अच्छी तरीके से पॉइंट नंबर बी भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया पॉइंट नंबर बी में बस आपको एक दो चीज ध्यान देना है एक तो हमारा शेयर बढ़ रहा है यहाँ पर इतने से और दूसरा हमारा कैश जो है वो बढ़ रहा है इतने से अल्टीमेटली हमारा एनएवी जो है एनएवी अल्टीमेटली हमारा फिफ्टी लाख से बढ़ रहा है और यूनिट्स भी हमारा इधर जो है फोर्टी टू थाउजेंड से बढ़ रहा है ना और आपका एनएवी सेम रहने वाला है ध्यान रखिएगा एनएवी सेम रहने वाला है। अब देखो पॉइंट नंबर सी में क्या बोला पॉइंट नंबर सी में बोला अब दो अप्रैल की बात हो रही है एक अप्रैल इन दो अप्रैल सेकंड डे दो अप्रैल को चार बजे बात है शहर के दाम चेंज हो जाएंगे

यहीं यही से करवा यह दिए देखो सिर्फ ये वाला ध्यान देना अठाईस हजार बड़ा हुआ हमारा बाकी तो वही मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे और कैश हमारा था ही पहले से ये ये देखो रहा है ना कैश हमारा था ही वो आ गया तो अल्टीमेटली हमारा अब एनएवी पर यूनिट बदल जाएगा क्योंकि मार्केट प्राइस बदल चुका है तो टोटल एनएवी हमारा ये आया और यूनिट तो हमारा एट फोर्टी है ही तो जिससे हमारा एन पर यूनिट आ चुका है आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहा अच्छी तरीके से तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए ऐसे दो क्वेश्चन है मैंने एक करवा एक आप से करोगे। मैं आपको बता दू मेरे क्वेश्चन नंबर इलेवन आप खुद से करोगे ठीक है यह आप खुद से करोगे मैंने ट्वेल्व कर, करा दिया दोनों सिमिलर क्वेश्चन है तो आई थिंक आपको यहाँ पर मुझे बता दो परफेक्टली अमान जी कह रहे हैं सर समझ में आ गया बहुत ही अच्छी बात रिस जी क्लियर है परफेक्ट है श्वेता जी कह रही है तनवीर जी अंडरस्टूड बहुत ही अच्छी बात ऐसे पहले बता दिया करो मुझे कि आपको समझ में आ गया तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से मूव ऑन करूंगा फिर आगे हाँ नेहा जी निश्चिंत रहो पहले कर दी जितना कर ले उतनी अच्छी बात है बाकी जो बच्चे का वो भी करा दूंगा तो टेंशन मत लो अभी यहाँ पर बस पढ़ाई पे ध्यान दो अच्छी तरीके से और मजा आ रहा है तो बता देना फटाफट से कमेंट करके कि सर मजा आ रहा है ठीक है मजा आना चाहिए तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व करेंगे पर मैं दोनों क्वेश्चन कराने का सोच रहा हूं टाइम हल्का सा पांच मिनट एक्स्ट्रा लगे दोनों कर लेते क्या दिक्कत है बस आपको मजा आना चाहिए और आपकी एग्जाम सिक्योर रहनी चाहिए तो देखिए क्वेश्चन फोर्टीन पे अब हम आ जाते

तो आप बताओ नंबर ऑफ यूनिट्स कितना होगा नंबर ऑफ यूनिट्स कितना मिला होगा आपने पांच लाख रुपए लगाए और जब लगाए तब टेन पॉइंट फाइव पर यूनिट चल रहा था तो 5 ,000 ,000 .5 कितना आएगा फोर सेवन सिक्स वन नाइन पॉइंट जीरो फोर सेवन सिक्स इतना यूनिट हमें मिलेगा ये हमें पता चल गया इतना यूनिट्स हमें मिलने वाला अब देखो थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइन तक यानी इंड तक आपको इतना डिविडेंड मिला और लास्ट में आपका एनआईवी जो है वो टेन पॉइंट फोर हो गया अरे मैं रो रहा हूं मुझे दुख हो रहा है मेरे आंसू निकल रहे पता है क्यों क्योंकि मैंने टेन पॉइंट फाइव जीरो में यूनिट्स खरीदे थे और अब टेन पॉइंट फोर जीरो हो तो आप में से कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है कि एनआईवी पर यूनिट मेरा कितना नुकसान हुआ मैंने टेन पॉइंट फाइव में खरीदा और अब टेन पॉइंट फोर हो गया तो मेरा पर यूनिट नुकसान कितना हुआ कोई मुझे बता सकता है मेरा पर यूनिट कैपिटल लॉस हुआ ना कैपिटल लॉस हुआ पर यूनिट मेरा कैपिटल गेन भी हो सकता है कैपिटल लॉस भी हो सकता है यहां पर मेरा पर यूनिट कैपिटल लॉस कितने का हुआ पॉइंट वन जीरो है ना और टोटल यूनिट्स मेरे पास कितना है इतना है तो मेरा कैपिटल लॉस जो है वो कितना हुआ पर यूनिट मेरा दस पैसे का नुकसान हुआ टेन पॉइंट में खरीदा टेन हो चुका है तो मेरा अल्टीमेटली नुकसान कितना हुआ फोर का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इतना सारा यूनिट है और एक यूनिट में दस पैसे का नुकसान हुआ तो टोटल यूनिट में इतने का लॉस हुआ, तो हुआ हमारा तो, 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 तो हुआ डिवरेंट से। डिवरेंट से तो डिविडेंड भी है लॉस है चलो ये लॉस है ये कमाया तो नेट गेन कितना हुआ नेट गेन कितना हुआ हमारा नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के रूप में मिला लेकिन कैपिटल लॉस हो गया फोर सेवन सिक्स वन पॉइंट नाइन जीरो नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस फोर सेवन सिक्स का नेट गेन हुआ तो मुझे पता चल गया कि मैंने नेट कमाई की है इतनी फोर सेवन थ्री एट पॉइंट कमाई की कितने पैसे लगा के पांच लाख रुपए लगा के फाइव लाख रुपीस लगा के मैंने इतनी कमाई की है. ठीक है फाइव लाख रुपीज लगा के तो मेरा गेन का परसेंटेज निकाल सकता हूं मैं जी हाँ मैं गेन का परसेंट में कहूंगा फोर सेवन थ्री एट पॉइंट वन जीरो नाइन फोर सेवन सिक्स टू कितना परसेंट मैंने कमाया चलो कितना परसेंट मैंने कमाया अब हमेशा ध्यान रखना हम जो कमाई है ना वो पर एनएम बेसिस पे बताते हैं हमेशा कमाई पर एनम बेसिस में बताते हमें ये देखना है कि हमने कितने दिनों में कमाया हमने पॉइंट नाइन फोर सेवन सिक्स टू परसेंट इतना कमाया कितने दिनों में देखो दिसंबर एक दिसंबर दो हजार आठ को हमने लगाया

तो कितना हो गया वन ट्वेंटी वन डेज हो गया हमारा तो देखा जाए तो यहां पर हमारा scheme X में period of holding है 121 days. तो कहने का मतलब ये ये कि आपने कितना कमाया तो हम ये कह देंगे पॉइंट नाइन फोर सेवन सिक्स टू परसेंट तो जो है ना ये हमने वन ट्वेंटी तो एक दिन का आ जाएगा फिर मल्टीप्लाइड कर दो आपका आ गया तो डिवाइडेड वन ट्वेंटी वन इन टू थ्री सिक्सटी फाइव एट फाइव एट फाइव परसेंट पर एनम। आ गया हमारा तो आप देख सकते हो टू पॉइंट एट फाइव एट फाइव को इन्होंने राउंड ऑफ करके टू पॉइंट एट फाइव नाइन कर दिया परसेंट पर एन पर एम है तो यहाँ पर भी इन्होंने वही किया जो मैंने किया आप देख सकते हो ये कैपिटल लॉस इन्होंने निकाला ये डिविडेंड का फायदा तो अल्टीमेटली नेट गेन निकाला हमने ज्यादा एलोबोरेट किया और 121 days का तो accordingly परसेंट सीधा बता दिया और बता दो कि ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया एक पार्ट मैंने करा दिया बाकी दो पार्ट में नहीं कराना चाहता पर चलो ना आपकी बात सुन लेता हूँ एक पार्ट और करवा देता हूँ म्यूचुअल फंड क्या कर एक बार एक कौन सा करा दो म्यूचुअल फंड वाई करा देता हूँ चलो तो एक लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया जब एन एवी टेन रुपीज करके था तो टेन थाउजेंड यूनिट्स आपके पास है समझ में आया दस रुपए एनएवी था आपने एक लाख रुपए लगा दिया तो टेन थाउजेंड यूनिट्स आपके पास आया अच्छा मैं आंसर देखने लग गया तो देखो एक लाख आपने लगाया टेन रुपीज पर यूनिट था तो टेन थाउजेंड आपने खरीदे अब देखो यहां पर गेन हुआ कैपिटल गेन टेन से टेन पॉइंट वन जीरो दस पैसा करके हमने कमाया तो टेन में दस पैसा करके कमाओगे तो हजार शॉर्टकट में कर रहा हूं कैपिटल गेन हजार रुपया हुआ साथ में पंद्रह सौ रुपया पच्चीस की कमाई हुई हमारी कितना लगा कि एक लाख रुपया लगा के इन टू हंड्रेड कर दिया हमने तो की हुई हमारी। कितने दिनों में कमाई हुई ये देखना एक जनवरी दो हजार नौ को आपने लगाया तो जनवरी का पूरा थर्टी वन डेज ट्वेंटी एट डेज थर्टी वन डेज मार्च तक का यानी नाइन्टी डेज में टू पॉइंट फाइव परसेंट कमाया आपने नाइन्टी डेज में टू पॉइंट फाइव परसेंट कमाया तो मैं कहूँगा टू पॉइंट फाइव परसेंट तो डिवाइड बाई नाइन्टी कर दूँगा तब एक दिन का आ जाएगा इन टू थ्री सिक्सटी फाइव करूंगा तो आपका एक साल का आ जाएगा टेन पॉइंट वन थ्री एट है तो टेन पॉइंट वन थ्री नाइन लिख सकता हूँ मैं पर ये देखो टेन पॉइंट वन थ्री नाइन आ गया हमारा बाकी तीसरा वाला भी वैसे कर लीजिएगा तो अब मुझे बता दो फटाफट से क्या है? इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दूं आपको आराम से समझ में आ गया प्रेजेंटेशन आईसीए वाला रखो या फिर अपने अकॉर्डिंगली रखो आप रख सकते हो बस प्रेजेंटेशन करते समय क्या करना तीन कॉलम के प्रेजेंट कर देना उससे अच्छा क्या होगा आपका पेपर भी बचेगा और आपका नेसेसरी सोल्यूशन ज्यादा लंबा भी नहीं होगा तो अब एग्जाम में तीन कॉलम बना के कर देना बाकी उसमें जितना डिटेल दिखाओ अंदर दिखाओ कोई प्रॉब्लम नहीं आप अपने वे में कर सकते हो तो मुझे फटाफट वट से बता दो एक बार कमेंट करके कि सर ये वाला समझ में आ गया आप क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में आ जाइए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर करने से पहले क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आपको आना चाहिए मैंने ए पार्ट और बी पार्ट दोनों करा दिया बस जेड वाला नहीं करे खुद कर लेना सिमिलर तरीके से करना है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बस चेट डिस्कनेक्टेड प्लीज वेट वेल वी ट्राई टू रिकनेक्ट यू चेट डिस्कनेक्ट हो गया क्या कैसे हो गया ये चलिए तो फिर अब हम स्टार्ट कर सकते हैं एक बार मुझे कमेंट करके बता दो क्वेश्चन में फोर्टीन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था लास्ट पार्ट मैंने कहा था आप खुद से कर लीजिएगा आपको समझ में आ गया तो मुझे कमेंट करना क्या मैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन से शुरुआत कर सकता हूँ तो मुझे जल्दी से बता दीजिएगा क्या मैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन से शुरुआत कर सकता हूँ फ्लो तोड़ दिया अच्छा खासा फ्लो चल रहा था वो फ्लो टूट चुका ना दुख होता है फिर मुझे फटाफट से बताओ हम करें फिर पानी लाग देने चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फिफ्टीन स्टार्ट करते हैं अभी हम चलो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ध्यान देना मैंने पहले कहा था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान देना ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर से करना नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी यहाँ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी आपको चलिए म्यूचुअल फंड एक्स म्यूचुअल फंड वाई म्यूचुअल फंड जेड ये तीन म्यूचुअल फंड दिया होगा हम एक अच्छे से कर लेंगे दोनों आप अपने आप ही प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं एक करवा देता हूँ ज्यादा बेटर रहेगा अच्छे से करवा देता हूँ एक ठीक है देखो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू लैख का अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है नेट एसेट वैल्यू एट द टाइम ऑफ है टेन पॉइंट थ्री जीरो रुपीस इन्वेस्टमेंट किया मान लो जब इन्वेस्टमेंट किया तब टेन पॉइंट थ्री जीरो नेट एसेट वैल्यू था तो बताओ ना यूनिट्स कितना खरीदा हमने वन नाइन फोर वन सेवन पॉइंट फोर सेवन फाइव इतना यूनिट्स मैंने खरीदा

तो आपका यहां पर पूछा टोटल एन बताओ तो टोटल एन तो हम सबका बताएंगे इंडिविजुअल एक का मैं बता देता हूँ इंडिविजुअल अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड एक्स का तो वन नाइन फोर वन सेवन पॉइंट फोर सेवन फाइव यूनिट्स है टेन पॉइंट टू फाइव हो गया नाइन फोर वन सेवन पॉइंट फोर सेवन फाइव टेन पॉइंट टू फाइव यह आ गया वन नाइन नाइन जीरो टू नाइन है ना ये आपका एन हो गया

टू लाख रुपीज फंसाया था अब इसकी वैल्यू रहेगी वन नाइन नाइन जीरो टू, ना। तो टू तो लाख रुपीज मैंने शुरुआत में लगाया था अब इसकी वैल्यू रह गई वन नाइन नाइन जीरो टू नाइन तो कैपिटल लॉस हुआ हमारा नाइन वन का कैपिटल लॉस हुआ मेरा है ना

2 ,00 100. मैंने कमाया. ही गलत लिख दिया क्या? थाउजेंड ट्वेंटी टू लैख रुपीज लगा के इन टू हंड्रेड टू पॉइंट फाइव वन फोर फाइव परसेंट

तो आप बताओ नाइन में नाइन पॉइंट सिक्स परसेंट सिक्स परसेंट पर हमारा जो इल्ड है वो कितना है हमारा इल्ड है 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 हमारा हमारा तो ये 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 देख लेंगे कि ये जो जो हमारा है, ये कितना है जो है? क्योंकि में डेज है तो ये बताओ अगर 365 तो इसमें कितना डेज होगा हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अगर में 365 हो रहा तो है, क्योंकि ये पर है मैं कहूंगा थ्री सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टू पॉइंट फाइव कर लो थ्री सिक्स इंटू टू पॉइंट फाइव वन फोर फाइव डिवाइडेड ये आ आ आ रहा है यानी डेज डेज गया गया हमारा पर 95 आ इसको करने का एक और तरीका भी है इसको करने का एक और तरीका भी है अब ये देख लो टू पॉइंट फाइव वन परसेंट फोर फाइव ये जो परसेंट हमारा इल्ड आया ये था ना हमारा इल्ड है ये कितना परसेंट ऑफ नाइन पॉइंट सिक्स टोटल तो पर एनम का नाइन पॉइंट है तो कितना परसेंट आया ये है है ना तो डेज डेज कर लो क्योंकि तो में 365 हो रहा है। मेरा सिर्फ पॉइंट टू सिक्स रेशियो ही यहाँ पर तो थ्री सिक्सटी फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो भी यहाँ पर 95 फाइव डेज आ जाएगा समझ आया तो नाइन्टी फाइव डेज मैंने जो निकाला वो परफेक्ट है ये देखो 95 डेज हमने निकाला जो कि परफेक्ट है इसके हिसाब से इन्होंने डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी बता दिया अब देखिए अब यहाँ पर आप मेरी बात सुनिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन ने बोला है कि 31 मार्च 2018 की बात हो रही है तो इससे 95 डेज के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया था 31 मार्च 2018 को अगर हम बैठ के देखें तो हम बोलेंगे हमने नाइनटी डेज का इन्वेस्टमेंट किया था तो बैक से हम नाइन्टी डेज तक जाएंगे तो हम कहेंगे मार्च का थर्टी डेज फरवरी का ट्वेंटी डेज जनवरी का थर्टी डेज

और मैंने कहा ये लोग ऑल्टरनेटिवली no, भी क्यों लिया पता है क्योंकि इन लोग एक दिन का एक्स्ट्रा ऊपर नीचे करते रहते लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते रहते तो ट्वेंटी आप ले सकते हो पर मैंने बोला ना म्यूचुअल फंड के क्वेश्चन में ये क्या करते हैं एंट्री डेट को भी कंसीडर करते और लास्ट डेट को भी कंसीडर करते दोनों डेट को कंसीडर करते हैं ठीक है थीके? तो आप यहां पर ट्वेंटी सेवन डेज को भी आप कंसीडर जब जबकि कर रहे तो हो तो ट्वेंटी सेवन आपका डेट होगा यहां पर नरे जी मैं बेलतोला में नहीं रहता मैं पलटन बाजार के पास रहता हूँ तो चलो ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया अच्छे से मुझे बता दो एक बार अच्छे से समझ में आ गया अब एक पार्ट तो मैंने आपको रफ में समझा दिया अब मैं ऐसे का सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ पहले इन्होंने नंबर ऑफ यूनिट्स निकाला अमाउंट डिवाइड बाई एन एव एट एंट्री रेट से ये नंबर ऑफ यूनिट्स निकाला फिर टोटल एनएवी जो हमने पूछा हम क्या करेंगे जो यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एनएवी क्लोजिंग वाले से तो यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया एनएवी क्लोजिंग वाले से अब तो हम आराम से निकालेंगे मैंने आपको यील्ड निकाला था ना पहले का मैंने देखा कैपिटल लॉस कितना हो रहा है कैपिटल है, गेन या तो मैंने लिखा भी था 971 का कैपिटल लॉस आया था पहले वाले में और डिविडेंड सिक्स का मिला था तो नेट प्रॉफिट इतने का आया था अब इससे हमने परसेंटेज भी निकाल लिया था सेम वैसे म्यूचुअल फंड वाई म्यूचुअल फंड जेड में भी आपका इल्ड आ जाएगा और इल्ड का इन्होंने टोटल इल्ड का परसेंटेज निकाला जो आप निकालोगे फिर अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ डीज तो मैंने निकालने का आपको तरीका बता दिया उस तरीके से नंबर ऑफ डीज निकाल लेना बस बात खत्म तो मैं म्यूचुअल फंड वाइज म्यूचुअल फंड जेड आपको मैं खुद से करने को बोलूंगा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका मैंने म्यूचुअल फंड एक्स आपको अच्छी तरीके से समझा दिया आई होप आपको ये समझ में आ गया अच्छी तरीके से अगर समझ में आ गया तो मुझे फटाफट से बता दो आपको ये समझ में आ गया आगे बढ़ू या फिर फर्दर एक्सप्लेनेशन की यहाँ पर जरूरत है आप चाहोगे वाई कराना है तो कमेंट करो वाई अगर नहीं कराना है तो यस लिख के आगे बढ़ते आगे बढ़ना है कि वाई और जेड कराना है आप मुझे बता दो रिवीजन के तौर पे मैं थोड़ा सा फटाफट करा रहा हूं ताकि ज़्यादा आगे बढ़ सकूं जल्दी से मैं कमेंट का आपका वेट कर आप करोगे अमान जी जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट हम लास्ट में वो देख लेंगे अभी फिलहाल मैं फ्लो के साथ पढ़ा रहा हूँ तो मैं फ्लो के साथ जाऊंगा जितना यहाँ पर नेसेसिटी है क्योंकि अभी आगे पीछे हम जाएंगे तो हमारा फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगी तो सभी कोई कह रहे यस समझ में आ गया आगे बढ़ो सर कह रहे चलो परफेक्ट है सभी कोई आगे बढ़ने को कह रहे तो मतलब वाई और जेड नहीं करना है एक आध जन एक जन ने कहा है कि वाई करो तो ठीक है आप समझ गए नहीं चाहिए चलो बढ़िया हम आगे बढ़ सकते हैं एक नंबर समझ में आया अच्छे से चलो बहुत ही अच्छा अब तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये ये क्वेश्चन आप ध्यान से प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देना इसको भी मैं पहले बैलेंस शीट का रूप देकर आपको समझा दूंगा फिर आगे एकदम आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है आराम से हो जाएगा देखो फर्स्ट अप्रैल 2012 को एबीसी फंड ने इशू किया 20 लाख यूनिट्स एट 10 पर यूनिट तो हमने मैं म्यूचुअल फंड कंपनी हूं मैंने 20 लाख यूनिट्स इशू किया दस रुपया करके तो मेरे पास 200 लाख आ गए तो मेरे बैंक में पैसे आ जाएंगे ना 200 लाख एग्री हाँ 20 लाख इंटू टेन मेरे बैंक में 200 लाख आ जाएंगे फिर रेलेवेंट इनिशियल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व एक्सपेंसिस मैंने इनिशियल खर्चा कर दिया बारह लाख का तो अगर मैं लाख का इनिशियल खर्चा करूंगा तो मेरा ट्वेल्व लाख रुपीज कम भी तो हो जाएगा और ये पीएल में चार्ज होगा एक्सपेंसेस से तो लाख ट्वेल्ल पीएल में चार्ज हुआ तो पीएल में चार्ज कर दिया और बैंक से ट्वेल्व लाख माइनस कर दिया पैसा दे दिया खर्चा कर दिया पैसा दे दिया ट्वेल्व लाख मैंने माइनस कर दिया आगे इट इन्वेस्टेड द फंड सो रेस इन कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट टू बिल्ड ए पोर्टफोलियो रुपीज रुपीजन फाइव लाख

इन्वेस्टमेंट में से तो सिक्सटी लाख की माइनस होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट का 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 जो कॉस्टिंग कॉस्टिंग मेरा लाख 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 है इसमें 60 का ही था 60 का का मेरा हुआ। पर मुझे पैसे मिलेंगे और ये रियलाइज हो चुका क्योंकि पैसे मिल गए ना बेचने पर यह हमारा रियलाइज हो चुका है तो गया गया। अच्छा, क्या क्या? कर तो परचे करूंगा तो बैंक से फिफ्टी सिक्स लाख कम हो जाएगा मैं बैलेंस क्यों बना रहा हूँ बताए तो इससे आपका क्लैरिटी आ जाएगा डबल एफेक्ट का क्लैरिटी आ जाएगा उसके बाद आप कैसे प्रेजेंटेशन करो चलेगा पर एक बार क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है तो डबल एफर्ट के साथ मैं आपको दे रहा हूं इन्वेस्टमेंट बढ़ा पैसा कम हुआ जब बेचा तो इन्वेस्टमेंट कम हुआ पैसे आए ज्यादा पैसे आए तो प्रॉफिट में चला गया डबल एफर्ट के साथ समझा रहा हूँ आगे फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल रुपीज एट लाख एट लाख का फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस था तो एट लाख में यहां पर माइनस करूंगा पीएल में एट लाख चार्ज कर दूंगा लेकिन टेन तो 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 परसेंट एरियर, तो एरियर है मतलब टेन परसेंट आपने अभी तक चुकाया नहीं यानी चुका दिया तो बैंक से गया तो मेरा लाइबिलिटी होगा मतलब का खर्चा हुआ जिसमें से पॉइंट एट लाख मेरा टेन परसेंट एरियर लाइबिलिटी है और नाइनटी परसेंट मैंने चुका दिया सेवन पॉइंट टू लाख अब आगे देखते हैं इन अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेल्व द फंडिवरेंट टू लाख रुपीज का कमाई किया चलो डिविडेंड टू लाख रुपीज का कमाई किया तो डिविडेंड आपको लाख प्लस हो जाएगा बैंक में बैंक में पैसे आगे कमाई किया और यहाँ पर प्लस टू लाख पीएल में चला जाएगा डबलिंग एसेंट डिस्ट्रीब्यूट किया तो दो तो तो एक दो रियलाइज अर्निंग था एक तो तीन लाख रहा कैपिटल गेन भी रियलाइज हुआ था और रियलाइज हुआ तो ये दोनों का हमने फिफ्टी परसेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिट होल्डर को पैसे बांट दिए

डबल इफेक्ट में माइनस फोर लाख मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना तो यहां पर ये मेरा हो गया में मैंने सारा आइटम डाल दिया बस सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए फिर आगे देखिए इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पर मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आ रहा है लेकिन इन्होंने बोला कि थर्टीथ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेल्व को मार्केट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो जो वन नाइन एट लाख का हो गया यानी ये जो 181 लाख का आपको दिख रहा है इसका मार्केट वैल्यू बढ़ गया कैपिटल एप्रीशियशन हुआ कितने से? 17 लाख से कैपिटल एप्रीशियन हो गया वन हो गया ये तो 17 लाख से कैपिटल अप्रीशिएशन अगर होगा तो पीएल में भी जाएगा ठीक हाला है हालांकि हम एग्जाम में पीएल नहीं दिखाएंगे पर एक बार आपको समझाने के लिए डबल एफर्ट कर रहा हूं मैं तो सेवेंटी लाख का हमारा कैपिटल अप्रीशियशन भी आ गया अब बात खत्म किस्सा इतना ही हमारा तो आप देखो बैंक का मुझे क्लोजिंग करके बताओ बैंक का क्लोजिंग कितना आया 200 लाख था जिसमें से 12 लाख माइनस किया फिर 185 माइनस हुआ प्लस 63 आया माइनस फिफ्टी सिक्स आया माइनस सेवन पॉइंट टू प्लस टू माइनस फोर यार ठीक है तो पॉइंट लाख कैश बैलेंस लाख का इन्वेस्टमेंट का बैलेंस हो गया हमारा लाइबिलिटी पॉइंट एट लाख है हमारा ठीक है तो आप बताओ नेट एसेट वैल्यू की अगर मैं बात करूं एनएवी कितना आ गया एट ईयर एंड एंड मंथ तो एंड में एनएवी क्या है हमारा? हम कहेंगे ऑल एसेट माइनस लाइबिलिटी तो पॉइंट एट लाख का कैश है प्लस वन नाइनटी एट लाख का आपका क्या है इन्वेस्टमेंट uh, है माइनस पॉइंट एट लाख का लाइबिलिटी है तो ये एनएवी हमारा आ गया कितना वन नाइनटी एट लाख का नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स है ट्वेंटी लाख तो देर फोर एनएवी पर यूनिट कितना हुआ 198 by 20, 9.9 हमारा एनएवी हो गया 9.9 हमारा एनएवी हो गया तो यहां पर आप देखिए 9.9 आपका एनएवी आ चुका है एक बार में एक क्वेश्चन में भी देख लेता हूं यहां पर जो आया हमारा सही आया नहीं आया सही आना चाहिए परफेक्ट 9.9 का मेरा एनएवीए परफेक्टली आ गया ये इसका पैटर्न ये वाला आप करना चाहो कर सकते हो इसी का पैटर्न भी मैं अपने उस नोट्स पे रख दूंगा आपको करना आप कर सकते हो ठीक है आप जब बनाओगे ना यानी आप जब करोगे तो आप क्या करना बैंक का डिटेल्स लिख लेना बैंक का सारा डिटेल्स लिख लेना इन्वेस्टमेंट का डिटेल्स लिख लेना और बैंक प्लस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा माइनस नीचे लाइबिलिटी कर देना और क्लोज कर देना आपका एन एव यहाँ पर आ जाएगा सीधा तो एक ही लाइन में आपका आ जाएगा समझ रहे पीएल नहीं दिखाना पीएल तो मैंने डबल इफेक्ट सिखाने के लिए किया एग्जाम में पीएल को इग्नोर करना आपको एग्जाम में आपको सिर्फ एसेट और लाइबिलिटी चाहिए तो एग्जाम के लिए आराम से यहां पर अगर आप बोलोगे तो मैं फटाफट फटा फट से एक क्वेश्चन में फटाफट से प्रेजेंटेशन कर देता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स कितने बार कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट बोलते हैं सर करना कैसे देखो ना बैंक का

पर यूनिट आ जाएगा अब इस तरीके से प्रेजेंट करो ना 9.9 आपका आ रहा है आप ऐसे प्रेजेंट करना कोई आपत्ति नहीं आएगी आपको यहां पर है ना तो ये वाला पार्ट आपको आराम से समझ में आ जाएगा कोई आपत्ति ना आप आराम से कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए प्रेजेंटेशन तो हम कैसे भी कर लेंगे एग्जाम में अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी तो प्रेजेंटेशन आप कर ही नहीं पाओगे सोल्यूशन ही नहीं कर पाओगे प्रेजेंटेशन कहां से आएगा पर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई तो आप आराम से प्रेजेंटेशन कर ही लोगे ठीक है पर फिर भी मैंने आपको सिखा दिया अब आगे एक और पार्ट इन्होंने तो आप मेरी बात सुनिए आपका एक महीने का टाइम पीरियड एक अप्रैल 2012 को एबीसी ने इन्वेस्टमेंट वगैरह किया 30 अप्रैल 2012 का हमने एनएवी निकाला ठीक है तो आप समझिए यहां पर यहां पर 1 अप्रैल 2012 को यूनिट्स इशू किया गया था जिस दिन एन पर यूनिट टेन था और थर्टी अप्रैल एक महीने के बाद एन पर यूनिट कितना हो गया नाइन पॉइंट नाइन हो गया तो देर फोर कैपिटल लॉस हुआ पर यूनिट कितना पॉइंट वन जीरो का कैपिटल लॉस है पर यूनिट है ना लेकिन साथ साथ में इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टर्स का मैं एग्री करता हूँ यहाँ पर एक इन्वेस्टर की बात कर रहा है मिस्टर आकाश एक इन्वेस्टर की बात कर रहा है है तो ये इन्वेस्टर का ऑब्वियस बात एनएवी में नुकसान हुआ क्योंकि इसने रुपए खरीदा था बाद में नाइन पॉइंट नाइन हो गया तो इसका दस पैसा पर यूनिट का नुकसान हुआ मैं एग्री करता हूँ पर इन्वेस्टर को डिविडेंट भी तो मिला होगा क्योंकि मैं आपको बता दू यहाँ पर हमने देखा था कितना ये देखो फोर लाख का डिविडेंट बांटा गया था डिस्ट्रीब्यूट किया गया था क्योंकि एट्टी परसेंट ऑफ रियलाइज अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो इन्वेस्टर को तो मिला तो इन्वेस्टर को डिविडेंड भी तो मिले थ्री लाख और टू लाख जो था ना है ना ये डिविडेंड टू लाख ये दोनों रियलाइज करने का एट्टी परसेंट डिविडेंड भी तो डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो फोर लाख डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया था टू इन्वेस्टर्स कितना फोर लाख किया गया था किसको ट्वेंटी लाख शेयर होल्डर को यूनिट होल्डर को. 20 लाख यूनिट होल्डर को 4 लाख दिया गया था 4 लाख डिवाइडेड बाय 20 यानी 0.2 0.20 का कमाई भी हुआ डिविडेंड से यानी एक इन्वेस्टर की बात करूं उसके पर यूनिट में 10 पैसे का नुकसान हुआ कैपिटल लॉस तो 20 पैसे का डिविडेंड में फायदा भी हुआ तो इसका एल्ड कितना हुआ एल्ड कितना हुआ 10 पैसे का यील्ड हुआ 10 पैसे की कमाई हुई कितने रुपए लगा के 10 रुपए लगा के तो 0.10 डिवाइडेड बाय 10 रुपया 100 यील्ड का परसेंटेज आ जाएगा .10 क्योंकि एक महीने का टाइम पीरियड ही दिया था पर एनम अगर हम निकाले तो क्या होगा 1 12 करना पड़ेगा एक महीने का सॉरी एक साल का तो ट्वेल्व परसेंट पर एन आ जाएगा यहां पर ट्वेल्व परसेंट पर एन आ जाएगा तो वही यहां पर पूछ रहा है कि जो आपका हंड्रेड यूनिट इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया है इसका एनुअल रेट ऑफ फंडिंग क्या होगा ट्वेल्व परसेंट पर एनम होगा अब कोई भी आकाश का कोई भी इन्वेस्टर है उसका एनुअल रेट ऑफ फंडिंग ट्वेल्व परसेंट पर एनम ही होने वाला है है ना तो हमने एक सिंगल यूनिट के हिसाब से कर लिया अब हंड्रेड यूनिट से भी करते तो भी आंसर वही आने का क्लियर है।, है तो पर यूनिट इसने कितना कमाया नेट पे दस पैसा कमाया तो सो यूनिट में कितना कमाया होगा दस रुपया कमाया होगा सिंपल सी बात है है ना और ऐसे भी निकाल सकते थे सो यूनिट में दस रुपया कमाया होगा इसने और इसने पर यूनिट दस रुपया फंसाया तो सौ यूनिट में हजार रुपया फसा तो इससे भी इसका कितना आएगा वन परसेंट आ रहा है ये तो पर मंथ का है तो आपका बारह परसेंट पर एनम हो जाएगा है ना क्योंकि पर एनम बेसिस में हम बताते हैं क्लियर है तो ये वाला पार्ट भी बताओ अच्छे से समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन भी अगर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते फिर जी नहीं आदर्श कुछ यूट्यूब में नहीं रहेगा सिर्फ लाइव चलेगा ये यूट्यूब में नहीं रहने वाला सिर्फ लाइव चलेगा यूट्यूब में कुछ नहीं रहने वाला ये। इसलिए तो लाइव लिया मैंने ताकि यूट्यूब में ना रखना पड़े बताओ आगे बताओ मुझे फटाफट से कमेंट करो ये आपको समझ में आया अच्छे से सब कुछ नहीं आया तो भी बता दो तब आगे नहीं बढ़ूंगा उसी पे माता पच्ची करूंगा समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ फारिक जी कह रहे समझ में आ गया बिल्कुल परफेक्ट बाकी सभी भी कमेंट करो जल्दी जल्दी श्वेता जी यस ठीक है नीरज जी कह रहे हैं यस समझ में आ गया बाकी लोगों को भी समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ बताओ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है आगे बढ़ सकते हैं जल्दी से बताओ मुझे चलो यस आगे बढ़ सकते हैं ना कपूर जी थ्योरी की बात बाद में करेंगे अभी अभी मत करो अभी जो पढ़ रहे हो उसके बारे में बात करते हैं रवि अभी पढ़ लीजिए यूट्यूब में कुछ नहीं रहेगा चलो सबको कह रहे यस सर समझ में आ गया परफेक्ट सब कुछ क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री की तरफ धीरे धीरे हम है ना टफ क्वेश्चन की तरफ भी रुख मोड़ेंगे और दो चार क्वेश्चन है फटाफट करा दूंगा उसके बाद आगे टफ क्वेश्चन भी आएंगे जल्दी जल्दी हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा तो अभी तक सबको समझ में आ रहा है नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ए म्यूचुअल फंड मेड इन इशू ऑफ टेन लाख यूनिट्स और रुपीज टेन इच तो पैसे कितने हैं हंड्रेड लाख रुपीज पैसे है

आगे देखिए तो मैं यहां पर ये कर सकता हूं सबसे पहले तो मैंने 10 लाख यूनिट्स इशू किया और ₹100000 तो 100 लाख का यूनिट कैपिटल है जहां 10 लाख यूनिट्स इशू किया और बैंक में भी पैसे 100 लाख आ गए अब इसमें से मैंने क्या किया 98 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया कहां इन्वेस्टमेंट किया मैंने इक्विटी शेयर्स पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे 9% डिबेंचर पे 10% डिवेंचर पे यहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट किया कितना 80 लाख 8 लाख 5 लाख 5 लाख हो गया 98 लाख हो गया चारों मिलाकर हो गया ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड 12 लाख रिसीव्ड होगा ऑन इक्विटी एसेट्स तो डिविडेंड अगर 12 लाख रुपए रिसीव्ड होगा तो ये पीएल में जाएगा मैं पीएल अब मैं तो मैं आपको रहा हूं तो पीएल में डबल इफेक्ट नहीं दूंगा है ना आपका क्या होगा ट्वेल्व में आएगा और पीएल में ट्वेल्ल लाख जाएगा मैं पीएल का अकाउंट नहीं बनाने वाला क्योंकि आदत छुटवाना भी मुझे मैंने आदत बनाई मैं आदत छुटवाऊंगा आपके क्योंकि एग्जाम में तो पीएल बनाना नहीं है तो ट्वेल्ल लाख हमारे बैंक में पैसे आ गए और वो पीएल में डबल इफेक्ट चला गया इंटरेस्ट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ डेट सिक्योरिटीज सिक्योरिटीजीव एस एन वेंड्यू

तो ये आपका इंटरेस्ट हो गया जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट पीएल में जाएगा और ये डिविडेंड भी पीएल में जाएगा मैं पीएल स्टेटमेंट बना ही नहीं रहा यहां पर अब देखो आगे क्या बोला आगे ये लाइन ध्यान देना एट द एंड ऑफ द ईयर इक्विटी एंड डिवेंचर आर कोटेड एट सेवेंटी और फेस वैल्यू ध्यान देना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है फेस वैल्यू अगर कोई बच्चा आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ ले तो वो पागल हो जाएगा

तो आपका जो होगा ना वन परसेंट ऑफ फेस वैल्यू है लाख का, 50 का 175 आपका कोटेशन चल रहा है, तो फिफ्टी लाख प्लस 175% मत करना तब तो वन सेवेंटी फाइव परसेंट प्रीमियम चढ़ा दिया बोला कोटेड फाइव परसेंट में मतलब जो अब आज का वैल्यू है वो फेस वैल्यू का, का वैल्यू है तो मैं लिखूंगा फिफ्टी लैक का फिफ्टी लैख इंटू वन सेवेंटी फाइव परसेंट करूंगा बन चुका लाख फिफ्टी थाउजेंड तो ये, ये बोलोगे तो तो बोलो पीएल में दिखाओ पीएल तो मैं बना ही नहीं रहा अगर बनाता तो दिखाता तो एटी से हो गया फिर बोला डिवेंचर है वो नाइन परसेंट में कोटेड रहेगा अब देखिए टेन परसेंट डिवेंचर ये मान लेंगे हम है ना फाइव लाख तो ये लाख बन जाएगा कितना फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड बाकी सारे पार में रहेंगे तो तो दिखाना मैं पीएल नहीं बना रहा और ये तो दोनों एज इट इज रहेंगे ठीक है तो ये अब चार फिगर हमारे हो चुके यहां पर इंटरेस्ट वगैरह भी हमने दिखा दिया आगे पूछा फाइंड आउट एनएवी पर यूनिट गिवन डेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस

प्लस फोर्टी फाइव थाउजेंड और फिफ्टी थाउजेंड माइनस फाइव लाख वन जीरो फाइव वन ट्रिपल जीरो ठीक है और इसका वैल्यू कितना आ रहा है एटी सेवन लाख और इधर फिफ्टी थाउजेंड एटी एट लाख नाइन्टी टू लाख हंड्रेड लाख हंड्रेड फाइव लाख आ रही है ना ये हंड्रेड फाइव लाख हो गया और लाइविलिटी कुछ है नहीं हमारे यहाँ पर उदयर फोर एन ए वी क्या हो गया कितना हो गया वन जीरो फाइव वन ट्रिपल जीरो प्लस हंड्रेड फाइव लाख कुछ गड़बड़ किया है क्या कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक किए है तो बता दो मुझे सही है ना डबल वन डबल फाइव वन ट्रिपल जीरो श्विता जी आपने कन्फ्यूज़ कर दिया रहा कुछ गलत लिख के वन जीरो फाइव डबल जीरो ट्रिपल जीरो डबल वन डबल फाइव वन ट्रिपल जीरो देर फोर एन ए पर यूनिट कितना होगा डबल वन डबल फाइव वन ट्रिपल जीरो डिवाइडेड नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं दस लाख है डबल वन पॉइंट डबल फाइव चलो डबल डबल फाइव आ चुका हमारा ये हमारा आ चुका अब आगे इन्होंने एक और चीज पूछा बोलो कि एनएफ कितना होगा अगर म्यूचुअल फंड दे देगा दे पॉइंट एट जीरो सिंपल सी बात है अगर मान लो पॉइंट नंबर टू में इफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जीरो पॉइंट एट का तो एनएवी आपका रिवाइज क्या होगा

आप इनका प्रेजेंटेशन रख लो आपको मैंने तो यहां पर ही सिखा देता हूँ देखो इन्होंने क्या रखा कैश बैलेंस में जोड़ते गए जो हमने दिखा था ना कैश उसी को एक एक करके जोड़ते गए ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते गए बस मैंने एक ही साथ कर दिया और इन्होंने अलग अलग स्टेप्स में कैश का किया और बाकी बाद में इस एसेट्स को जोड़ दिया लाइब्रेटी कुछ होता तो माइनस कर देते इस पैटर्न में हो जाएगा बैलेंस शीट मैंने यूज इसलिए किया ताकि आपका दिमाग को खोल सकूं मैं दिमाग जब खुल जाएगा आप एसेट टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंटेशन कर लीजिए है ना क्वेश्चन बैंक तो आपके पास रह गई ये टेबल आपके पास रह गई स्टडी मटेरियल आपके पास होगा ये क्वेश्चन बैंक होगा इस रूप में आप आप इस ये ये रूप रूप दिखा दीजिए बस उनको अगर ये रूप भी हम दिखाते रियलिटी में तो ये रूप में भी तो क्या ये तो क्या आपत्ति ये ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन है ज्यादा अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा यहाँ पर आपका जब क्लियर हो जा रहा है तो बाकियों का तो क्लियर होना ही है पर फिर भी प्रेजेंटेशन आप आईसी वाला रखो ना कोई दिक्कत नहीं आपको क्लियर रह जाएगा बस वही है क्या इसको आप अलग अलग इंडिविजुअली नाम देखिए आप क्या करना आराम से वन बाई वन आप करते जाना सारे का नाम देके बैंक बैलेंस और उसमें इन्वेस्टमेंट जुड़ जाएगा नीचे कुछ लाइब्रेटी होगा तो माइनस हो जाएगा एन आएगा फिर एन पर यूनिट दिखा देना है ना तो कॉलम वाइज अपने आप हो जाएगा वो तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है है ना तो आई थिंक मजा आ रहा है ना भी एकदम अच्छे से चलो बहुत जन कह रहे हैं कि सर मजा आ रहा है मक्खन की तरह समझा चलो बहुत ही अच्छी बात है आप लोग को समझ में आता है तो पढ़ा पढ़ा के भी मजा आता है तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ सकते हैं आई थिंक ठीक है ये जी अप्रोच डैम गुड है मैं मैं बता रहा में मुझे मैं दो साल भी नहीं हुए मुझे यूट्यूब में आए हुए को। मुझे कोई नहीं पहचानता था मेरा मुझे पहचानने लगे उसका सबसे बड़ा कारण मैंने जो नोटिस किया एक तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और दूसरा बैलेंसड अप्रोच ठीक है और मैंने देखा कि बैलेंसड अप्रोच कितना ईजी वे में आपको बहुत सारी चीजें समझा देते हैं और यहाँ पर भी देखो ना म्यूचुअल फंड ऐसे टफ लगेगा पर बैलेंसड अप्रोच से कितना सिंपल है सिंपलेस्ट वे में हम कर ले रहे जैसे हम इंटरेंसिक वैल्यू वगैरह निकालते थे ना अकाउंट्स में उसी तरीके से म्यूचुअल फंड को सलटा दे रहे हैं है ना तो एकदम सिंपल लग जाएगा आपको बहुत ही सिंपल टॉपिक है आगे भी आप देखो ना एकदम मक्खन लगेगा अभी सब कुछ मक्खन लगा आगे भी मक्खन लगेगा इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं आपको मैं चलो नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर करेंगे ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव दोनों सिमिलर क्वेश्चन है एंड ये दोनों करने के बाद फिर एक दो बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन है वो करेंगे फिर हम पहले चलो ये कर लेते हैं है ना और कोई भी बात के लिए वेट मत करना ये क्लास लाइव ही चलेगी एंड अपलोड नहीं होने वाली है ये क्लास सिर्फ लाइव चलेगी और यही कारण है लाइव लेने का अदरवाइज मैं रिकॉर्डेड डाल देता क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द एनए वी ऑफ ए रेगुलर इनकम स्कीम ऑन पर यूनिट बेसिस बोला पर यूनिट बेसिस में एन ए वी निकालू अब आपको यहाँ पर सबसे पहले ये पता करना है कि मेरा कौन सा एसेट है कौन सा लाइबिलिटी है क्योंकि एन ए वी कैसे निकलेगा ऑल एसेट माइनस ऑल लाइबिलिटी तो एन ए वी आ जाएगा फिर एन ए वी पर यूनिट निकाल देंगे तो बताओ लिस्टेड शेयर एट कॉस्ट ये शेयर हम ऑब्वियसली बात हमने खरीदा है क्योंकि म्यूचुअल फंड एंटिटी कभी भी शेयर इशू नहीं करता

एक्सपेंडिचर खर्चा एक्रूड एक लाइब्रेटी होगा पेबल लिखा हुआ है या एक्रूड लिखा हुआ है तो ये लाइब्रेटीड मतलब लाइब्रेटी एक्सपेंडिचर एक्रूड है मतलब दिया नहीं हमने फिर नीचे लिखा हुआ करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स इनकम सिक्योरिटीज ध्यान रखना हम सारे एसेट एंड लाइब्रेटी का मार्केट वैल्यू लेते हैं

4.7925 आएगा ये, यानी इसका करंट रियलाइजेबल वैल्यू होगा 4.7925. ये आप समझना. कैसे पता चला? क्योंकि 100 का value 106.5 हो रहा है. तो 4.5 का कितना होगा? आप into 106.5 कर दीजिए. या फिर 100 106.5 बन रहा तो है. तो 6.5 प्रीमियम है. तो 4.5 plus 6.5 percent लगा दो. 4.5 plus 6.5 percent लगा दो. तो भी आपका यही आएगा, है ना?

करोड़ तो हमारे इसका मार्केट वैल्यू जो है वो कितना है करोड़ का इसका मार्केट वैल्यू आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि गया थाउजेंड बन गया ट्वेंटी मतलब तेरह सौ बढ़ गया, गया थाउजेंड से तो वन थर्टी परसेंट बढ़ा है तो ट्वेंटी करोड़ पे वन थर्टी परसेंट प्रीमियम चढ़ा दोगे तो भी फोर्टी सिक्स करोड़ आ जाएगा तो ये भी मैंने आपको निकाल के दिखा दिया मार्केट वैल्यू आगे देखिए वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स लिस्टेड बॉन्ड्स एंड का वैल्यू कितना एट दिया हुआ है और कितना अनलिस्टेड बॉन्ड है कितना बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स 4.3 का है जिसमें से बॉन्ड्स जो कि नॉट लिस्टेड है वो वन का यानी कहने का मतलब ये हुआ 4.3 का बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स है जिसमें से अनलिस्टेड बता दिया वन का है। का 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 अनलिस्टेड यानी लिस्टेड कितने हो हो गया 3. 3 का हो गया पर हम इसमें थोड़ा ना दिखाएंगे तो कॉस्ट पे हमें तो मार्केट वैल्यू चाहिए इसका भी मार्केट वैल्यू चाहिए इसका भी मार्केट वैल्यू चाहिए तो लिस्टेड का तो इन्होंने मार्केट वैल्यू बता दिया देखो लिस्टेड बॉन्ड्स का मार्केट वैल्यू एट बता दिया इन्होंने तो इसका मार्केट वैल्यू बता दिया लिस्टेड का और बोला जो अनलिस्टेड है ना उसमें ट्वेंटी परसेंट है तो ये होगा वन का वैल्यू पे ट्वेंटी परसेंट एप्रीशिएशन यानी ये बन जाएगा तो लिस्टेड का वैल्यू एट है अनलिस्टेड का पॉइंट एट जीरो पर लिख देता हूं ये पॉइंट एट जीरो हो गया और लिस्टेड वाला दिया हुआ नहीं पर ये आ जाएगा एट का लिस्टेड का वैल्यू एट है और अब एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो बच्चे को कंफ्यूज करता है वो ये है बोला इन्होंने चला के जब क्वेश्चन खुद चला के बोले कि फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज में लीजिए तो आपको कॉस्ट में लेना पड़ेगा लिखा हुआ है अदर इंटरेस्ट सिक्योरिटीज आर एट कॉस्ट अगर ये लिखा हुआ नहीं रहता ना तो मैं तो क्या करता फोर पॉइंट सेवन नाइन टू फाइव मानता मार्केट वैल्यू मानता पर इन्होंने मेंशन किया कॉस्ट इंटरेस्ट सिक्योरिटीज को कॉस्ट में रखना यानी आपको फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज जो है ना उसे कॉस्ट में ही रखना पड़ेगा मतलब आप ये वाला नहीं ले सकते फोर पॉइंट सेवन नाइन टू फाइव हमने निकाला नहीं हम नहीं ले सकते क्यों नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन ने हमें बोला मत लीजिए आप तो इसी को ही कंटिन्यू रखेंगे इसी को ही कंटिन्यू रखेंगे है ना तो आप देखिए मेरी बात सुनिए अब यहाँ पर मैं ये लिस्टेड वाले को बाहर लिख कर रहा हूँ एक बार मैं अब देखिए मैं एक बार यहां पर रफ करा रहा हूँ देखिये करोड़ का है मेरा कैश इन हैंड आज के डेट पे कितने का है वन पॉइंट टू थ्री का है ठीक है

डिविडेंड एक्रूड पॉइंट एट है तो पूरा सीधा ले लिया ये भी ले लिया अब पेबल तो माइनस होगा minus minus ये दोनों भी ले लिया मैंने तो तो ये दोनों ले लिया अब तो कुछ बचा नीचे तो आपका डेटा दिया हुआ था करंट रियलाइजेबल वैल्यू वगैरह वगैरह दिया हुआ था तो इसी से वैल्यू हमारा कितना आ रहा है देखो फोर्टी सिक्स प्लस वन पॉइंट टू थ्री प्लस एट प्लस एट प्लस फोर पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट एट माइनस सिक्स पॉइंट थ्री टू माइनस पॉइंट सेवन फाइव लाइबिलिटी को माइनस कर दिया तो फिफ्टी फोर पॉइंट टू सिक्स आ रहा है एक बार चेक कर ले रहा हूँ ये क्या हाँ परफेक्ट तो फिफ्टी फोर पॉइंट टू सिक्स करोड़ हमारा आ चुका है अब नंबर ऑफ यूनिट्स हमारा कितना है दिया हुआ है क्या हाँ ट्वेंटी लाख दिया हुआ है ट्वेंटी लाख यानी पॉइंट टू जीरो करोड़ हो जाएगा क्या चलो भाई ट्वेंटी लाख ही लिख देता हूँ मैं तो एन ए वी पर यूनिट कितना आएगा

फिर लाइब्रेटी को माइनस कर दिया तो आपका नेट एसेट आ गया एनएवी आ गया नंबर यूनिट से डिवाइड किया तो एनएवी पर यूनिट आ गया तो ये तो आप आराम से इस आंसर से कर ही लोग यहाँ पर पर मैंने आपको सिखाने के लिए शॉर्टकट में प्रेजेंटेशन दे दिया और एक एक वर्ड को मैंने आपको समझा दिया तो बताओ मुझे यहां पर आपको ये समझ में आया या नहीं आया बताओ मुझे अच्छे से समझ में आया या नहीं आया आपको जी क्यों ये सब बात कर रहे हो पढ़ाई के टाइम में कल मैच देखने में नहीं गया था थोड़ा सा पढ़ाने का टेंशन था तो मैं क्लास से रिकॉर्ड कर रहा था पढ़ा रहा था भाई तो ये सब बात नहीं करते हैं अभी हम पढ़ाई की बात करते हैं ठीक है अंकित जी आप भी पढ़ाई की बात करो एग्जाम खत्म हो जाएगी ना फिर मैच देखने चलेंगे तो मुझे जल्दी से बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया एक एक एस्पेक्ट एक एक एस्पेक्ट समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूंगा नहीं तो मैं नहीं बढ़ूंगा आगे हाँ सुमित जी बहुत हार्ड ना समझ में आया अच्छे से चलो बहुत ही अच्छा मजा आ रहा है एकदम अरे कंजूसी क्यों कर रहे हो पैसे तोड़ना ले रहा हूं मैं आप लोगों से कमेंट तो करो बताओ समझ आया या नहीं आया और लाइक करना लाइक नहीं करोगे तो बहुत बुरी बात है बता रहा इतने लोग देख रहे हैं लाइक नहीं करोगे तो बहुत बुरी बात है लाइक करते हो तो एक पता नहीं अंदर से मोटिवेशन आ रहा है अभी फिलहाल 200 लोग देख रहे हैं और लाइक आपका 195 नाइन है सिर्फ सही नहीं है गलत कर रहे हो आप लोग लाइक होना चाहिए ना लाइक से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो लाइक में कंजूस ही नहीं लाइक करना जरूर से सभी को तो यहां पर आप मुझे बताओ अभी सर आप हमको जी क्यों बोलते हो रेस्पेक्ट देना चाहिए गिव रेस्पेक्ट अनस्पेक्ट है ना वो वाली बात है हाँ चलो सबको समझ में आ रहा है तो अब मैं फटाफट से मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी की तरह ही सिमिलर क्वेश्चन है बस इसमें एक दो बातें जो एड ऑन की गई है जो हमें ध्यान में रखना है चलो हम देखते हैं एन एवी निकालने यहां पर भी लिस्टेड शेयर कैश इन हैंड वगैरह दिया हुआ है इसमें है ना बस ये ध्यान में रखना इन्होंने ये शायद मेरा प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हुआ या फिर इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है देखो क्या लिखा हुआ है बॉन्ड्स बॉन्ड्स एंड एंड एट कॉस्ट ऑफ दिस नॉट नॉट लिस्टेड कोटेड ये दो वैल्यू लिखा हुआ है तो मतलब क्या पता है टोटल आपका बॉन्ड्स एंड डिवेंचर जो है वो एट का है इसमें से अनलिस्टेड जो है वो टू का है यानी लिस्टेड कितने का है 2.5 यानी सिक्स पॉइंट फोर सॉरी सिक्स पॉइंट हाँ तो 6.46 का लिस्टेड है फिर अदर फिक्स इनकम सिक्योरिटीज डिफरेंट एक्रूड लाइबिलिटी ये सारे एसेट हो गए ऊपर वाले नीचे पेबल लाइबिलिटी एक्सपेंडिचर लाइबिलिटी है करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स इनकम सिक्योरिटीज हंड्रेड का नाइनटी यानी 100 का वैल्यू अब 96.5 हो गया यानी देखा जाए तो 3.5 परसेंट से डेप्रिशिएट हुआ है 100 96.5 कब बनेगा जब 3.5 परसेंट से डेप्रिशिएट हो जाएगा तो 3.5 परसेंट से डेप्रिशिएट हुआ है तो 9.75 पे भी हम क्या करेंगे 9.75 का वैल्यू माइंस 3.5 परसेंट यानी कि 9.40875 इसकी जगह वैल्यू आएगा नाइन पॉइंट फोर जीरो नहीं भी करोगे तो चलेगा आप चाहते थे तो ऐसा भी कर सकते थे कि नाइन पॉइंट सेवन फाइव इंटू पॉइंट नाइन सिक्स फाइव भी ले सकते थे क्योंकि हंड्रेड नाइनटी सिक्स पॉइंट फाइव बन रहा है या फिर इंटू नाइनटी सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट भी ले सकते थे तो भी नाइन पॉइंट फोर जीरो आएगा आपका चलो ये देख लिया हमने नंबर ऑफ यूनिट्स बता दिया टू लाख सेवेंटी लास्ट में काम आएगा ऑल द लिस्टेड इक्विटी इक्विटीर्स परचेस एट द टाइम मार्केट पोर्टफोलो इंडेस रुपीज ट्वेल्व यानी जब आपने खरीदा था तब इंडेक्स ट्वेल्व थाउजेंड फाइव चल रहा था सॉरी हाँ और अब आपका चल रहा है 99, तो कहने का मतलब ये जब फोर्टी लाख का खरीदा गया था ये जब फोर्टी लाख का खरीदा गया था तब चल रहा था थाउजेंड फाइव हंड्रेड कर दिया और इनटू आज का का वैल्यू लिख दूंगा या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं इंडेक्स अब हो गया तो तो कितना से डिवाइड आपका कहा 8% लगा देंगे तो 63.92 आ रहा है ये भी वही आएगा 63.92 लाख और वैसे भी 63.92 लाख आ जाएगा अब अलग-अलग एंगल से कर सकते हो तो मैथ्स हो गया आपका तो ये आपका वैल्यू हो गया कितना 63.92 लाख है ना आप ऐसे करो या फिर आप परसेंटेज निकाल के कर लो अब आगे देखते हैं अनलिस्टेड में 15% का डिमिन्यूशन हुआ है तो अनलिस्टेड कितने का 2.5 का इसमें 15% डिमिन्यूशन होगा तो -15% ये हो गया 2.125 ठीक है इसकी जगह पे हम लिखेंगे टू पॉइंट वन टू फाइव हो गया हमारे ये और लिस्टेड बॉन्ड्स का सेवन पॉइंट फाइव होगा लिस्टेड का वैल्यू हो गया सेवन पॉइंट फाइव और आगे बोला ऑपरेटिंग अब ध्यान दो अब यहां पर प्रॉब्लम है ये स्टार देना है यहां पर अब ये स्टार देना है गड़बड़ी करोगे देखो हम ये मान रहे कि यहां पर जो कैश इन हैंड है ना ये क्लोजिंग कैश इन हैंड है यहां पर जो भी फिगर हम इसे क्लोजिंग कैश इन एड मान रहे ये ऑलरेडी इसमें जितना भी कैश आना जाना था वो जा चुका ये एडजस्टेड है अब देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपने पे किए अगर पेमेंट कर दिया तो कैश से ऑलरेडी ये कम हो चुका होगा हम मानेंगे एज्यूम करेंगे ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम कैश बैलेंस हाँ अगर एग्जाम में बोले कि नहीं आपका कैश बैलेंस ये डिडक्ट नहीं हुआ ये तो आप क्या करोगे 2.24 पॉइंट टू को आप इससे कम करोगे 2.76 से कम करोगे पर यहां पर आईसीए साइलेंट है और आईसीए ने भी इससे कम नहीं किया हम एज्यूम करेंगे कि यह कैश से ऑलरेडी कम हो चुका है हम क्लोजिंग कैश मानते हुए ऑलरेडी पेड हाँ पेड ड्यूरिंग देर में समझ दे रहा हूँ पर अब मुद्दा ये इसमें से कम हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं अब एग्जाम में अगर बोले चला के कम नहीं हुआ तो है पेड तो किया पर कैश से एडजस्ट नहीं हुआ है तो हम कैश से एडजस्ट करेंगे ठीक है पर कुछ ना बोले तो मान लेंगे कि ऑलरेडी एडजस्टेड हो चुका है तो कम करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट कहाँ जाएगा पील में जाएगा पील तो हम ऐसे भी नहीं ले रहे सारा एसेट लेंगे लाइब्रिटी लेंगे एनएवी आएगा एनएवी पर यूनिट निकाल देंगे तो बात खत्म तो ये भी हमारा हो चुका अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ क्या करेंगे सिक्सटी का शेयर है टू का कैश है लिस्टेड का सेवन वैल्यू है अनलिस्टेड का टू का वैल्यू है और फिक्स इनकम सिक्योरिटीज 9.40875 था जिसको राउंड ऑफ करके 9.409 लिया हमने फिर डिविडेंड है 1.95 का माइनस आपका दो पेबल था लायब्रिटी 13.54 1.76 इसको आप क्या करना टेबुलर फॉर्म में आप वन बाय वन लिखते जाना है ऐसे ठीक है पर मैंने ये आपको ऐसे दिखा दिया एक बार इसी से वैल्यू निकालते हुए सिक्सटी थ्री पॉइंट नाइन टू प्लस टू पॉइंट सेवन सिक्स प्लस सेवन पॉइंट फाइव प्लस टू पॉइंट वन टू फाइव प्लस नाइन पॉइंट फोर जीरो नाइन प्लस वन पॉइंट नाइन फाइव माइनस थर्टीन पॉइंट फाइव फोर माइनस वन पॉइंट सेवन सिक्स सेवेंटी टू पॉइंट थ्री सिक्स फोर आ रहा है परफेक्ट देखो ये लैक्स में आ गया और नंबर ऑफ यूनिट दिया हुआ ड्रेस से आपका पर यूनिट आ जाएगा तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में दम ही नहीं था क्वेश्चन एकदम सिंपल था है ना आराम से कर लिया बस एक एक छोटी छोटी चीज को आपको ध्यान में रखना है अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ये क्वेश्चन भी आराम से हमारा सॉल्व हो गया मैं बस यहाँ पर आंसर रख रहा हूँ इसमें है ना ये आंसर आपके पास रहेगा मैं बस रफ में आपको समझा दे रहा हूँ बाकी तो आप टेबुलर फॉर्म में ऐसा आंसर प्रेजेंट कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको और जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन बैंक भी आपको ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम में मिलेगा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा टी डॉट मी स्लैस प्रतीक जगह ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और बाकी आगे फर्दर भी हम कुछ तो लाइव सेशन लेंगे तो आप जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि फर्दर लाइव सेशन का भी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम से मिलता रहे कपिल जी यहाँ पर सारे जो भी डेटा दिया हुआ ये हम क्लोजिंग ही तो मान रहे हैं ना सारी ये एसेट्स एसेट्स एंड एंड और एक किसी पार्टिकुलर डेट का दिया हुआ रहता है तो ये क्लोजिंग डेट का दिया हुआ ये मानेंगे है ना सारा चीज हम वही मान रहे हैं है 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 ना ना तो 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 ना अब अब इतना मिलना तो 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 ये 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 पे क्योंकि होता होता किसी का 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 मान आज आज हुआ फिर हमें करके देगा पूरे साल भर में खर्चा भी तो हुआ होगा तो आज का क्लोजिंग कैसी तो हमें देगा ठीक है कपिल जी क्लियर हो गया आरती जी क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन में मुझे नहीं पता क्वेश्चन तो फटाफट आराम से हो गया हमारा बोलो अब आगे बढ़े यूट्यूब पे नहीं रहेगा वीडियो आपको अभी देखना होगा सर तो क्वेश्चन ने पांच लाख दिया नहीं जो मेरे पास क्वेश्चन महंगे उसमें मैं देख लूंगा मैं देख लूंगा मतलब ये ऐसे गड़बड़ी करते कितनी बार तो ऐसे सही आंसर को भी गलत कर देते हैं तो वो कर सकता है वो ऐसा कर सकता है कि पांच लाख पहले कैश दिया है? और 2.24 माइनस करके उसे 2.76 बनाना चाहते हैं मैंने कहा ना वो डिपेंड करेगा कि हम क्या माने माने डिडक्ट हुआ है या नहीं हुआ वो डिपेंड करेगा है ना तो क्वेश्चन में क्लैरिटी होनी पड़ेगी पर पर कुछ कुछ गड़बड़ी करते रहते हैं तो अब मुझे बताओ ये चीज समझ में आया अच्छे से अभी आगे बढ़ सकते हैं हम आगे बड़ा क्वेश्चन कराने से पहले मैं सोच रहा हूँ छोटा छोटा एक दो क्वेश्चन है ना आपके साथ डिस्कस कर लो पहले ऊपर का छोटा छोटा क्वेश्चन जो है चलो क्वेश्चन नंबर वन डिस्कस करा देता हूं क्वेश्चन नंबर वन डिस्कस कराने से पहले एक सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर ये डिस्कस कराता हूं ध्यान देना।

तो देखा जाए तो मुझे डिविडेंड कितना मिला मुझे डिविडेंड मिला यानी जो कमाया उसके रूप में इन्होंने डिविडेंड बांटा जो कैपिटल गेन हुआ उसके रूप में इन्होंने डिविडेंड बांटा तो ये दोनों उन्होंने बांटा हमें तो हमें ये पैसा मिला और बाद में हमारा एन जो है वो ट्वेंटी हो गया तो एन जो बिगिनिंग में था वो एंड में कितना हो गया ट्वेंटी हो गया मेरी बात सुनो मैं प्रतीक प्रत्येक एक इन्वेस्टर हूँ मैं अगर ट्वेंटी रुपीज दे एक अगर यूनिट खरीदूंगा तो मेरा क्या क्या फायदा एक तो मुझे कैश इतने रुपए डिविडेंड के रूप में मिले दूसरा ट्वेंटी अब बन गया ट्वेंटी पॉइंट जीरो सिक्स तो कैपिटल गेन भी तो हुआ मेरा पॉइंट जीरो सिक्स का तो मेरे कुल मिला के कमाई कितनी हुई सेवन फाइव कैसे ये दो तो रियलाइज हो गया और ये हमारा कैपिटल गेन एराइज हो रहा है क्योंकि एनएफ इतना था अब इतने का बन गया हमारा हम आज चाहे तो इतने में बेच सकते हैं तो हमारा पॉइंट का टोटल हमारा अर्निंग है कहाँ से अर्निंग है कितना लगा के कमाया ट्वेंटी लगा के इंटू हंड्रेड परसेंटेज आ जा जाएगा पर ये तो महीने का आएगा तो डिवाइड बाय मंथ 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 कर कर देता हूं. 12 कर देता हूं. ये तो 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 महीने महीने का का आएगा तो का 12 करना पड़ेगा तो आप देखो डिवाइडेड ट्वेंटी इंटू हंड्रेड पॉइंट पर मंथ है ठीक है मैं तो सेवन से पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट पर एन आ जाएगा हमारा बस बात खत्म क्वेश्चन नंबर फोर भी मैंने करवा दिया पर एन में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव सेम है क्वेश्चन नंबर फोर है आप खुद कर लीजिएगा बस फिगर चेंज है आप आराम से कर लोगे खुद कर लीजिएगा आप मुझे नहीं कराने से भी चलेगा क्लियर है क्वेश्चन नंबर सिक्स करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए

है है तो तो कर दिया दिया हमने ये ये पर पर करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि एक साल का ही डेटा यहां पर दिया हुआ है मैं चलो तो ये आपका आ चुका आप देख सकते हो इसमें कोई आपत्ति आपत्ति नहीं है रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट पूछा थर्टी दिसंबर दो हजार दस का बताओ और दो हजार दस का एन एम यही है 13. अगर सारा डिविडेंड और कैपिटल गेन आपने 12.5 में री इन्वेस्टमेंट कर दिया अब मेरी बात सुनो शुरुआत में 12.25 पॉइंट एनएवी था और अब 13 हो चुका है तो बीच में ये कभी बढ़ा भी तो होगा एक साथ में तो 12.25 से 13 हुआ होगा बीच में कभी ये 12.50 जीरो भी हुआ था तो जब आपको डिविडेंड मिला था ना 2.25 का, 1.25 और 2.25 का डिविडेंड मिला था उस वक्त एनएवी ट्वेल्व चल रहा था तो आपने इस रेट पे आपने अपना जितना कमाई आया वो री इन्वेस्ट कर दिया तो मुझे कितना मिला मैंने 300 यूनिट्स खरीदा हुआ था ध्यान से सुनो मैंने क्या किया मैंने 300 यूनिट्स खरीदा हुआ था एट द रेट 12.25 पर यूनिट एट बिगिनिंग पे और मुझे बाद में कितना मिला 1.25 प्लस 1 है ना इन टू थ्री हंड्रेड यूनिट मुझे ये पैसे मिले एक यूनिट पे टू पॉइंट टू फाइव मिला टू पॉइंट टू फाइव एक यूनिट पे मिला तीन सौ यूनिट पे कितना मिला छह सौ पिचहत्तर रुपये मुझे मिले अब मेरे पास पहले से मैं यूनिट इतना होल्ड कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे इतने पैसे मिले मैंने क्या किया कि ये पैसे को री इन्वेस्ट कर दिया एट द रेट किसमें री इन्वेस्ट किया जब ट्वेल्व पॉइंट फाइव जीरो चल रहा था तब मैंने री इन्वेस्ट किया तो मुझे बताओ एडिशनल यूनिट्स मुझे कितना मिला होगा सेवेंटी फाइव रुपीज मैंने लगाया ट्वेल्व पॉइंट फाइव जीरो के भाव पे फिफ्टी फोर यूनिट्स मेरे पास और आ गया तो टोटल यूनिट्स कितना हो गया पहले से थ्री हंड्रेड था और फिफ्टी फोर यूनिट्स मिल गया तो 354 यूनिट्स मुझे मिल गया टोटल 354 यूनिट्स मेरे पास आ गया लेकिन जो डिविडेंड की कमाई है वो मैंने री इन्वेस्ट कर दिया वो मेरे पास नहीं है अब इसे मैं कंसीडर नहीं करूंगा ये जो 1.25 है और ये वन है अब इसे आप वापस से कंसीडर नहीं कर सकते रिकंसिडर क्योंकि ये जो पैसा आपने मिला था आपने वापस पैसे जमा कर दिए आपने उससे यूनिट्स खरीद लिया तो कुल मिला के आपके पास अब 354 यूनिट्स है ठीक है ये हमने समझ में आया तो अब हम अपने गेन देखेंगे अब मेरी बात सुनो मैंने शुरुआत में पैसे कितने फंसे तीन सौ यूनिट पे पैसे फंसाए मैंने कितना ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव करके लगाया था मैंने तीन सौ यूनिट मैंने जब खरीदा था तब था ट्वेल्व पॉइंट ये नहीं मैंने थ्री सिक्स सेवन फाइव रुपये फंसाए ये मेरा कॉस्ट है देखा जाए तो ये मेरा कॉस्ट था शुरुआत में अब बोलोगे सर बाद में भी तो आपने पैसे फंसाए थे 675। मैं कहूंगा ये पैसे नहीं फंसाए थे ये वहीं से मिले और मैंने री इन्वेस्ट कर दिया था ये मेरा पॉकेट से नहीं लगा हुआ ये मुझे डिविडेंड के रूप में मिला और मैंने री इन्वेस्टमेंट कर दिया है ना हाँ, मैं ये भी कहूंगा मेरे पास डिविडेंड भी नहीं आया क्योंकि वो तो री इन्वेस्टमेंट हो गया अब मुझे कमाई कितनी मिली थ्री फिफ्टी फोर यूनिट पे मेरा अब भाव हो चुका है थर्टीन रुपीज करके क्योंकि अब हमारा एन एव थर्टीन रुपीज करके तो थ्री फिफ्टी फोर यूनिट में थर्टीन रुपीज करके कितना होगा अब इसका भाव फोर सिक्स जीरो टू हो चुका है और अब डिविडेंड वगैरह को कंसिडर मत करना क्योंकि वो री इनवेस्ट हो चुका आपका है ना तो मेरे पास तो पैसे आए ही नहीं मेरे पास तो पैसे इतने लगे और बीच में जो 675 है वो वापस से मैंने दे दिए तो मेरे पास तो टोटल इतना यूनिट बचा है और इतना यूनिट पे मेरा ये वैल्यू आज के डेट में एग्जिस्ट करता है तो मेरा कैपिटल गेन कितने का आ रहा है अभी 927 मैंने कमाया तो परसेंटेज कितना कमाई कमाया 927 कमाया कितना लगा के 3675 लगा के 100 25.22% आ गया वी ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू टू परसेंट आई थिंक अब आपको समझ में आ गया अच्छे से तो बताओ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा एक दो बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे कंफ्यूज हो जाओगे आप मेरा काम था समझाने का पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा बताओ जल्दी से बताओ मुझे समझ में आ गया ये वाला पार्ट अच्छे से एकदम अभी बताओ अगर समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं अगर समझ में आया तो लाइक करो वापस से लाइक करो कोड़ डालो लाइक के बटन को पर लाइक हो जाना चाहिए बताओ जल्दी से बताओ समझ में आया अच्छे से अंजलि जी थैंक यू सो मच इतने अच्छे अच्छे शब्द लिखने के लिए बताओ जल्दी से मुझे समझ में आया या नहीं आया एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन ये भी करवा देता हूँ अभी आपको ये भी करवा देता हूँ हाँ धैनन्द जी जी बात एक ही बात सही एक ही बार होता है हाँ बबीता जी मिल जाएगा हंडरेटर नोट्स चलो बाकी सबको मजा आ रहा है राजेश जी चलो बहुत ही अच्छी बात है थैंक यू सो मच राजेश जी नेहा जी हटा दूंगा ऐसे अभी देख लो फटाफट अच्छा श्री जी सही कहा एक बार और लाइक किया तो डिसलाइक हो जाएगा ऐसा नहीं हो तो लाइक डिसलाइक का अलग अलग बटन रहते हैं ना परफेक्ट थैंक यू सो मच अंजलि जी चलो तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं है ना क्वेश्चन नंबर वन करते हैं मिस्टर ए कैन अर्न ए रिटर्न ऑफ सिक्सटीन परसेंट बाई इन्वेस्टिंग इन इक्विटी सेट्स ओनिस ओन ये सिक्सटीन कमा सकता है म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के नहीं कहीं दूसरी जगह पे शेयर खरीद के लगाएगा तो सिक्सटीन परसेंट कमा सकते हैं नाउ ही इज कंसिडरिंग ए इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड स्कीम इन विच इनिशियल एक्सपेंस आर एंड एनुअल रिकरिंग एक्सपेंस आर वन पॉइंट फाइव परसेंट मैं आपको बता दू इन दोनों में फर्क है इनिशियल एक्सपेंस जो है ना ये जीरो प्रजेंट में लगेगा प्रेजेंट में लगेगा कितना और एक्सपेंस इतना ही ये ईयर एंड पे लगेगा यानी ड्यूरिंग द ईयर लगता है हम इसे पर एनम यानी एंड एन मानते हैं रेकरिंग एक्सपेंस जो है ये ड्यूरिंग द ईयर लगता है लेकिन इसे हम ईयर एंड मानेंगे यानी ईयर एंड वन मानेंगे हमें कितना वन पॉइंट फाइव परसेंट तो दोनों में फर्क है मैं वापस से बोल दू सिक्सटीन परसेंट हम कमा सकते हैं खुद पैसे लगा के और हमने सोचा कि हम इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं में नहीं लगाएंगे म्यूचुअल फंड में तो वहां पर भी हमारी उम्मीद रहेगी हमारा सोलह परसेंट अचीव हो है ना हमने क्या देखा अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो इनिशियली फाइव पॉइंट फाइव परसेंट का हमारा खर्चा है इनिशियली यानी जीरो ईयर में खर्चे एंड एनुअल ये क्वेश्चन ध्यान देना नहीं तो समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत आएगी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये एनुअल रेकरिंग एक्सपेंस हमारा हर साल लगने वाला है 1.5% पर इनिशियल एक्सपेंस तो वन बार लगेगा एक बार ही लगेगा ये जो 5.5% ये तो एक बार ही लगेगा पर रिकरिंग एक्सपेंस जो ये हर बार लगेगा ये एवरी ईयर लगेगा हमारा ये एवरी ईयर लगने वाला हाउ मच शुड द म्यूचुअल फंड अर्न टू प्रोवाइड मिस्टर ए रिटर्न ऑफ 16% कितना अर्निंग करना चाहिए ताकि वो सिक्सटीन परसेंट घर लेके जाए समझो मेरी बात अच्छे से मान लो फॉर एग्जाम्पल से सौ रुपये उधार लिए अगर मान लो मैं अपनी मम्मी मम्मी से उधार लेता क्रेडिट फ्रॉम मैंने अपनी मम्मी से सौ रुपये उधार लिए तो मुझे अपनी मम्मी को कितने पैसे देने पड़ेंगे बाद में लौटा के हंड्रेड सिक्सटीन देने पड़ेंगे मतलब मेरी मम्मी को कमा के मुझे 16 देना पड़ेगा क्योंकि मिस्टर ए समझ लो मेरी मम्मी है मेरी मम्मी सोलह परसेंट कमाई होती है तो मेरी मम्मी कहेगी कि सोलह तो कितना होगा रुपीज सिक्सटीन अगर हंड्रेड रुपीज में लगाता हूँ मम्मी से उधार लेके तो मुझे मम्मी को सोलह रुपए की कमाई देनी होगी सालाना हर साल लेकिन मुद्दा क्या पता मुद्दा ये प्रॉब्लम ये कि अगर मैं हंड्रेड रुपीस इन्वेस्टमेंट करता हूँ म्यूचुअल फंड में तो इनिशियली मेरा फाइव पॉइंट फाइव परसेंट खर्चा हो जाएगा यानी इन्वेस्ट करने के साथ के साथ हंड्रेड माइनस फाइव पॉइंट फाइव परसेंट यानी मेरा खर्चा हो गया मेरे पास बच्चे का कितना इन्वेस्टमेंट करने के लिए नाइन्टी क्योंकि पैसे घुसाते ही पैसे डालते ही मेरा फाइव का खर्चा हो गया तो मेरे पास तो बच्चे का नाइनटी अब मुझे जो सोलह कमाना है ये फोर से तो कमाना पड़ेगा

और ये अब मैं नाइनटी फोर पॉइंट फाइव से कमा सकता हूँ क्योंकि 5 .5 रुपीज तो इनिशियली शुरुआत में खर्चे हो गए मान लो प्रोसेसिंग वगैरह का जो भी आपका खर्चा है, है ना इनिशियल में खर्चा हो गया तो परसेंट कितना कमाना पड़ेगा।, 16 100. 16 कमाना पड़ेगा इतना मुझे कमाना पड़ेगा तो ये मुझे हर साल कमाना पड़ेगा कब ईयर एंड में हर साल कमाना पड़ेगा है ना सिक्सटीन पॉइंट नाइन थ्री परसेंट मुझे हर साल ईयर एंड में कमाना पड़ेगा ये आपको समझ में आया अब साथ के साथ अगर ये लिखा हुआ नहीं रहता एनुअल रिकरिंग एक्सपेंस तो मैं कहता ये मेरा फाइनल आंसर है है ना लेकिन हर साल मेरा इतना खर्चा भी होगा तो इतना कमाऊंगा तो इतना घर लेके नहीं जा सकता पर मुझे घर लेके इतना जाना पड़ेगा तभी तो मम्मी को सोलह रुपया दे पाऊंगा तो इसके साथ साथ इसके अलावा मुझे वन पॉइंट फाइव परसेंट भी कमाना पड़ेगा तो इस पर मैं क्या कर दूंगा प्लस कर दूंगा वन पॉइंट फाइव परसेंट तो मेरा मेरा आ आ जाएगा कितना? आ जाएगा कितना जो कि मेरा आंसर है अब यहां पर मैं आपको बता दू मुद्दा क्या है आपको यह समझना है कि जो सोलह रुपये आप कमाओगे होना है क्योंकि आपके पास नाइन्टी फोर पॉइंट फाइव ही बचा हुआ है नाइन्टी फोर पॉइंट फाइव ही बचा हुआ है इसमें आपको सोलह रुपया कमाना है लेकिन अगर आप बोलोगे कि वन पॉइंट फाइव परसेंट आपका रिकरिंग एक्सपेंस है तो वो तो नाइनटी फोर पॉइंट फाइव ही होगा तो देखा जाए तो वन पॉइंट फाइव परसेंट अगर आप निकालोगे का, तो मतलब का मतलब क्या करना है सोलह रुपए अर्निंग करना है और दूसरा आपको साथ ही साथी नाइनटी फोर फाइव का रिकरिंग एक्सपेंस भी सालाना वन पॉइंट फोर वन सेवन फाइव आपको और कमाना पड़ेगा तो कुल आपको कमाना पड़ेगा सेवन फोर वन सेवन फाइव कितना लगा लगा into 100. Divided into 100. ये भी एटीन पॉइंट फोर थ्री परसेंट आ रहा है पर मैं सजेस्ट करूंगा आप ये वाला तरीका ना करें आप सिंपल सी बात ये समझें एक बार इसको इग्नोर कीजिएगा वन पॉइंट फाइव परसेंट को और आप देखिएगा आपको कितना कमाना सोलह रुपया कमाना नाइन्टी फोर पॉइंट फाइव से यानी इतना परसेंट आपको कमाना है अब उसमें जितना रिकरिंग खर्चा साल नहीं तो साल के एंड में खर्चा है तो साल के एंड में इतना कमाना है और साल के एंड में इतना खर्चा है तो इतना परसेंट आपको टोटल चाहिएगा डेट इज वॉट एटीन पॉइंट फोर थ्री परसेंट तो बताओ ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया आप बस यही चीज को ध्यान में रखिएगा ये जो मैंने मम्मी का एग्जाम्पल लिया है मम्मी का एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए आप सॉल्व कीजिएगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई परेशानी नहीं आएगी आपको तो बताओ अगर ये भी समझ में आया मक्खन की तरह तो हम आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू सेम एस क्वेश्चन नंबर वन है आप खुद से कर लीजिएगा बताओ समझ में आया तो मैं फ्रंट एंड लोड एंड बैक एंड लोड भी समझा देता हूँ मैं आपको अंकित जी पॉसिबल नहीं है आप प्लीज बार बार मत बोलिए आप अभी पढ़ाई कीजिए अच्छा मोनू जी कैसे पता आपको ये बात सारे सी स्टूडेंट मुझे पहचानते दे कैसे पता मोनू जी आपको मतलब किस बेसिस पे बोल रही है तो बताओ है ना समझ में आया अच्छे से मम्मी एग्जांपल अच्छा लगा ना हाँ मम्मी पापा का नाम लेते तो अपने समझ में आते जी मैं आपका सवाल समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या बोलना चाहते हो समझ में आया ना चलो सबको समझ में आया हाँ जी बोलिए क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए क्लियर हूँ रोहित जी जय माता आगे बढ़, आगे है ना चलो क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं फिर यूनिट प्राइस ऑफ इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड इज रूपीज टेन यूनिट प्राइस कितना है रुपीज टेन पब्लिक ऑफर प्राइस ऑफ द यूनिट इज टेन पॉइंट जीरो फोर पब्लिक ऑफर प्राइस मतलब बाइंग प्राइस है बाइंग प्राइस आपका टेन पॉइंट है है जीरो फोर और रिडम्सन प्राइस मतलब एग्जिट प्राइस अगर कोई एग्जिट करना चाहे तो म्यूचुअल फंड कंपनी को तो रिडीम करना होगा एग्जिट प्राइस है नाइन पॉइंट एट जीरो आप ध्यान में रखिएगा बाइंग प्राइस मतलब ऑफर प्राइस आपका बाइंग प्राइस होता है ऑफर प्राइस मतलब बाइंग प्राइस होते हैं और रिडम्सन प्राइस मतलब एग्जिट प्राइस होते हैं अब ध्यान रखिए क्वेश्चन ने पूछा फ्रंट एंड लोड फ्रंट एंड फ्रंट एंड लोड मतलब हो गया बाइंग पे क्या लोड लग रहा है बाइंग पे क्या लोड लग रहा है उसे हम फ्रंट एंड लोड कहते हैं तो देखो दस रुपए का सामान है दस रुपए का सामान है उस पर पॉइंट एक्स्ट्रा लिया जा रहा है दस के ऊपर लोड लिया जा रहा है है ना कोई भी एंट्री करेगा तो उसे लोड लिया जाता है नहीं तो वो जब चाहे एंट्री एग्जिट करेगा ना तो एक लोडिंग लिया जाता है तो वो लोड पॉइंट टू जीरो फोर लिया जा रहा है देखा जाता हूँ तो लोड कितना लिया जा रहा है पॉइंट टू जीरो फोर लिया जा रहा है किसके ऊपर लिया जा रहा है दस रुपए के ऊपर लिया जा रहा है इन टू हंड्रेड यानी टू पॉइंट जीरो फोर परसेंट आ जाएगा ये आपका लोड हो गया क्योंकि दस रुपए के ऊपर टू पॉइंट जीरो फोर परसेंट और लोड लिया जा रहा है जिससे आपका टेन पॉइंट टू जीरो फोर बन रहा है ये आपका हो गया फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड क्या हो गया End, मतलब ये की की बात कर रहे, की बात कर कर सेलिंग अगर आप करोगे तो एग्जिट करोगे तो देखो यूनिट दस रुपए है पर आपको मिलेगा किसके ऊपर दस रुपए के ऊपर दस रुपए कीजिएगा नाइन पॉइंट एट मिलेगा बीस पैसे कम मिलेंगे उपर, 10 उपर, दस रुपए के ऊपर टू परसेंट तो फ्रंट एंड लोड निकाला बैक एंड लोड निकाला हमने टू पॉइंट जीरो फोर परसेंट और टू परसेंट ठीक समझ आया एकदम अच्छी तरीके से थैंक यू सो मच सलोनी जी हां कपिल जी मम्मी से क्रेडिट लेते हो मम्मी को देने का समय आ गया अब आप लोगों का फटाफट -पट सीए बनो और मम्मी को लौटाओ है ना देवासी जी सर मेरे क्यों रेस्पॉन्स नहीं करते मेरा एसएफएम एफ गोल्ड गॉड अच्छा मेरा एस एफ एम गॉड दे जी क्या रेस्पॉन्स नहीं किया मैं तो रेस्पॉन्स कर रहा हूँ सभी का इतने सारे मैसेज तो होंगे क्या दिक्कत है बताओ क्या चाहिए आपको पढ़ाना है सबको हाई बोलतु सब देख रहे हैं सबको हाई बोलता हूँ आपका हाँ बोलो वरुण जी थोड़ा सा तो चलेगा आपका नहीं मेरा भांजा है मेरा बेटा नहीं है मैं अभी तक पापा नहीं बना हूँ मेरा भांजा है सर ओपन एंडेड वाला सम भी करवा दो हाँ करवाएंगे ना साहिल जी आगे उसकी बारी है थैंक यू सो मच अंकित जी तो ये समझ में आया ना आपको वहाँ जाके बैठ जाओ है ना आराम से मोबाइल क्या हुआ मोबाइल अच्छा चार्ज में इसलिए टाइम पास नहीं हो रहा है ना चलो तो फिर ये सारा पार्ट ये तो आप कर लोगे खुद से ये सब करवाने की जरूरत नहीं है आराम से ये सब क्वेश्चन कर लोगे सिंपल सिंपल क्वेश्चन ये सब सारे हमने करा लिए इन सारे वेराइटीज़ के हमने क्वेश्चन किए अब बड़े बड़े कुछ कुछ क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करना बाकी है मैं देख लेता हूँ आगे कुछ कुछ छोटे क्वेश्चन कराने के या फिर बड़े क्वेश्चन ही बचेंगे हमारे ये सारे हमने कर लिए हाँ सिक्सटीन सेवनटीन एक वैराइटी का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा काफी अच्छा क्वेश्चन है तीन क्वेश्चन इसमें स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन नंबर थर्टीन और स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हाँ गिरने दो है ना ये बहुत अच्छा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है एक ये वैरायटी का हम करेंगे अभी और ये सारे तो हमने करवा ही दिया मैंने ये वाला क्वेश्चन सनमून लिमिटेड वाला ये अलग से कराऊंगा लास्ट में कराएंगे हम ये लास्ट में करेंगे सनमून वाला एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो ये तो कर लिया हमने है ना ये सारा भी कर लिया ट्वेंटी फाइव भी कर लिया हाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये मुझे आपको कराना है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जरूरी क्वेश्चन है और ये भी अच्छा क्वेश्चन है डी म्यूचुअल फंड के म्यूचुअल फंड सुनीदे वाला तो अलग से हो जाएगा सिंपल क्वेश्चन है तो अब पहले अभी हम ये क्वेश्चन करेंगे पर इससे पहले मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ क्योंकि एक होता है ना मैं थोड़ा सा मतलब थक गया हूँ बोल बोल के तो आप मुझे आज्ञा दोगे दस मिनट ब्रेक लेने की परमिशन दोगे या मुझे दस मिनट ब्रेक लेके मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे काफी एनर्जी चाहिए तो थोड़ा सा एनर्जी गेन कर लेता हूँ रेस्ट लेके उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स करा देता हूँ चलेगा तो बोलो ठीक है बोलो चलेगा हाँ लंच कर लीजिए जिसको लंच करना है वो लंच कर लीजिए दस मिनट का ब्रेक लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हाँ कपिल जी लिख करवाऊंगा कर ये क्वेश्चन निश्चिंत एकदम निश्चिंत रहो, ये क्वेश्चन ठीक है एकदम निश्चिंत रहिए आपको आवाज़ से आ रही है मुझे आवाज नहीं आ रही मुझे चैट दिख रहे है चैट दिखाई दे है मुझे चैट से बात कर रहा हूँ मैं ठीक है तो टेन मिनट्स के बाद मिलते हैं सब कोई आ जाना मैं वेट नहीं करूंगा दस से दस ग्यारह मिनट में मैं शुरू कर दूंगा सब कोई आ जाना पांच बज के चार मिनट हुए पांच पंद्रह में हम स्टार्ट कर देंगे ठीक है पर फिर मैं भी बैठ गया ये अरे घूम गया रे पीछे आ जाओ पे मैं भी बैठ गया ओके तो चार्ज करने अच्छा तो क्यों चार्ज what we'll <laughs> would हाँ संध्या जी मुझे पता है ब्रेक खत्म हो गया आ गया ना इसलिए। मैं इसलिए मैंने जी आ गया आ गया एक मिनट तो लेट हुआ हूँ शायद एक दो मिनट लेट हुआ ना अच्छा दो तीन मिनट ज्यादा हो गया अच्छा अच्छा इसीलिए है ना चलो एक सेकंड मुझे दो आप ठीक है ये फाइल जो है ना इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी ये फुल हो गया आई थिंक आउटपुट कहाँ मिलेगा सेटिंग्स में जाके एक सेकंड वेट करना आप सभी

बस एक मिनट दो मुझे आप क्वेश्चन में ट्वेंटी सिक्स हम अभी सॉल्व करेंगे तो आप चाहते हो मैं सॉल्व कर हूँ आपको ये तो एक बार मुझे कमेंट करके बता देना पूरा सॉल्व कराना है तो अच्छे से सॉल्व करवा दूँगा फिर अगर आप चाहते हो तो पूरा सॉल्व करा दूंगा मैं आपको पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं क्या अच्छे से कपिल जी पढ़ लो वही उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होते है, है ना सेल्फ मोटिवेशन हाँ अजी वो मेरा भांजा है चलो करते हैं फिर हाँ रेस जी आप इधर उधर की सवाल ज़्यादा पूछते हो पढ़ाई पे ध्यान कम है आपका पढ़ने से पहले कहते हो कि अभी और कितना टाइम है ऐसे थोड़ा होते हैं जैसे मूवी देखते हो ना बेंच एकदम या वेब सीरीज देखते हो वैसे करो ना पढ़ाई करो अभी क्यों ऐसे फालतू के सवाल चलो तो फिर हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते अच्छे से सॉल्व करेंगे ऑन फर्स्ट अप्रैल एन ओपन एंडेड स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड थ्री हंड्रेड लाख आउटस्टैंडिंग विध एन एवं तो मैं एक बार इधर छोटा सा बैलेंस शीट में बनाते रहूंगा बाद में आपको मैं समझा दूंगा बैलेंस शीट बनाने का कारण भी क्या है देखो फिलहाल हमारा क्या है थ्री हंड्रेड लाख हमने इशू किया हुआ, 300 किया हुआ। है थ्री हंड्रेड लाख है शुरुआत में दस रुपए का होगा पर आज एटीन पॉइंट सेवन फाइव इसकी वैल्यू है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसेट भी तो उतने तो का होगा एन ए मतलब क्या नेट एसेट तो नेट एसेट हमारा हम कह सकते हैं कितने का होगा एन ए बी मतलब माइनस लाइबिलिटी तो हम कहेंगे थ्री हंड्रेड पर यूनिट है ये हो गया ये हमें पता चला फर्स्ट अप्रैल को हमारा नेट एसेट है फाइव सिक्स टू फाइव लाख का अब देखिए एट द एंड ऑफ अप्रैल अप्रैल के एंड में सिक्स लाख यूनिट्स इशू किया गया

क्योंकि प्रॉब्लम की आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि अप्रैल एंड का नया एनएवी निकालो और वो एनएवी आप उनसे ले लो पर ये पॉसिबल नहीं होता कि नया एनएवी हम बार बार निकाले तो हम कहते हैं ओपनिंग एनएवी में जो कमाए उसका हिस्सा मांग लो तो वो सारी चीजों का हम डिस्कशन करेंगे हम क्या करेंगे साथ साथ जाएंगे तो पहले हम क्या बनाएंगे कैलकुलेशन जैसे पहले पॉइंट में पूछा ना कैलकुलेशन ऑफ इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन हम ये बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और साथ में मैं क्या करूंगा पता है इधर ही मैं एक हिसाब भी करूंगा जो इधर ही साइड में कर लूंगा मैं और यहां पर मैं लिखूंगा एक बार यूनिट्स पर यूनिट प्राइस टोटल वैल्यू मेरी बात सुनिए कैलकुलेशन ऑफ इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया इनकम की बात कर रही है तो आप देखिए इनकम अप्रैल के महीने में कितना हुआ है अप्रैल का बिगिनिंग का एनएवी दिया हुआ है हम अप्रैल के महीने में कुछ पैसे कमाएंगे बोला कि अप्रैल के महीने में आपने ट्वेंटी टू पॉइंट नाइन फाइव ये तो पोर्टफोलियो वैल्यू है या इनकम हम बाद में देखेंगे ये पोर्टफोलियो वैल्यू एक कमाई नहीं देखा जाता हूँ पोर्टफोलियो में अप्रिसिएशन आया इनकम हमारी कितनी है ट्वेंटी टू पॉइंट नाइन फाइव की हमारी इनकम हुई यहाँ पर है ना तो अप्रैल का इनकम देखो कितना हुआ थ्री हंड्रेड यूनिट है टोटल तो तो आपका अप्रैल के महीने में बाद में, में इतना तो अप्रैल के महीने में यूनिट इशू तो करने से पहले तो थ्री हंड्रेड यूनिट सीधा थ्री हंड्रेड लैक्स यूनिट है ना थ्री हंड्रेड लैख यूनिट और टोटल कितना कमाई हुआ हमारा ट्वेंटी टू पॉइंट नाइन फाइव लाख

और पर यूनिट अगर पॉइंट जीरो सेवन सिक्स फाइव कमाई होगा तो नया एनवी तो बढ़ जाएगा और अगर मान लीजिए अप्रैल के महीने के बाद क्योंकि ये अभी तक इनकम डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ ये अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है तो अगर देखा जाए तो मैं एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर की बात करूँ तो एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर को क्या मिलना चाहिए एक तो एटीन पॉइंट सेवन फाइव मिलना चाहिए और दूसरा पॉइंट जीरो सेवन सिक्स फाइव इनको कमाई भी मिलना चाहिए तो अगर कोई नया पर्सन की एंट्री होगी तो आप बताइए उनसे हम क्या पैसा लेंगे उनसे हम एक तो ओपनिंग एनएवी में जो लोड लेंगे वो तो लेंगे साथ साथ में हम उनसे ये पॉइंट जीरो सेवन सिक्स फाइव भी लेंगे है ना ये ये पॉइंट जीरो सेवन सिक्स फाइव जो ले रहे हैं ना ये ये डिविडेंट इक्वलाइजेशन ये क्या हो गया ये डिविडेंट इक्वलाइजेशन हो गया जो आपको लिखा गया एडजस्टेड फॉर डिविडेंट इक्वलाइजेशन क्योंकि इनको भी ये अप्रैल के महीने में एग्जिस्ट नहीं करते थे और अप्रैल के महीने का जो कमाई है वो भी उनको प्रोपोर्शनेटली लाना होगा क्योंकि बाद में जब बंटवारा होगा तो सबका एक साथ बंटवारा होगा तो उनको बोला जाएगा कि आप ओपनिंग एनएवी लाइए साथ साथ में ये भी पैसा हमें दीजिए डिविडेंड इक्वलाइजेशन का या हम उनसे डायरेक्टली भी कह सकते थे क्लोजिंग एनएवी क्या होगा ये प्लस इनकम तो क्लोजिंग एनएवी भी मांग सकते थे तो एक प्रकार से देखा जाए तो एटीन पॉइंट सेवन फाइव में ये आप ऐड कर दो ये क्या बन जाएगा क्लोजिंग एनएवी हो जाएगा तो अगर हम इशू करेंगे इशू ऑफ सिक्स लाख यूनिट्स अगर हम सिक्स लाख यूनिट का प्राइस निकालेंगे तो इसमें ये कहेंगे ओपनिंग एनएवी जो है ठीक है ओपनिंग एनएवी कितना है ये हम उनसे लेंगे साथ में हम डिफरेंट इक्वलाइजेशन भी उनसे लेंगे पॉइंट जीरो सेवन सिक्स फाइव का हम बोलेंगे आप ये भी हमें पैसा दीजिए नहीं तो हम आपको यूनिट्स नहीं बेचेंगे बराबरी का तो ये लेंगे पर उससे पहले आप लोड चढ़ा दीजिए लोड क्योंकि ओपनिंग एनएवी में लगेगा क्वेश्चन बोल दिया हमें एनएवी प्लस टू परसेंट लोड तो ओपनिंग में लोड लगेगा टू परसेंट एंट्री लोड हो गया एंट्री करोगे तो लोड चढ़ेगा तो एटीन पॉइंट सेवन फाइव पे ये भी पैसा लिया जाएगा लोड भी लिया जाएगा प्लस इंटू टू परसेंट पॉइंट थ्री सेवन फाइव लिया जाएगा और साथ में डिविडेंड इक्वलाइजेशन के नाम पे भी उनसे पैसा लिया जाएगा कितना पॉइंट जीरो सेवन सिक्स फाइव यानी कितना आ गया इस पर यूनिट कितना लिया जाएगा एटीन पॉइंट सेवन फाइव प्लस पॉइंट थ्री सेवन फाइव प्लस पॉइंट जीरो टोटल अमाउंट कितना लिया जाएगा फिर नाइनटीन पॉइंट टू जीरो यूनिट पे लिया जाएगा इनटू सिक्स लाख कर देंगे क्योंकि टोटल सिक्स लाख यूनिट इश्यू किया जा रहा है गया ठीक है ये लिया जाएगा तो इतना पैसा अगर हम लेंगे तो हमारा कैश भी तो इतना बढ़ जाएगा बैलेंस शीट में ये मैं मिटा रहा हूँ ये जो मेरा बैलेंस शीट साथ साथ बढ़ा रहा हूँ मैं तो मेरा जो कैश है ये भी तो इतना का बढ़ जाएगा इतना पैसा हमारे पास आएगा हंड्रेड फिफ्टीन पॉइंट टू जीरो नाइन तो बैलेंस शीट में भी हमारा हंड्रेड फिफ्टीन पॉइंट टू जीरो नाइन बढ़ जाएगा पैसे आ जाएंगे हमारे पास इतना

मैंने सिक्स लाख यूनिट होल्डर से भी पैसे सेवन सिक्स फाइव वो मैं यहां पर दिखा दूंगा टेबल में इनकम ही तो है हमने कलेक्ट कर लिया उनसे हमने बोला आप भी पैसे दे दो बराबरी का तो लाख यूनिट होल्डर भी पैसे दिए पॉइंट फोर नाइन आ रहा है क्या पॉइंट फोर फाइव नाइन वापस से कर लेता हूं जीरो सेवन सिक्स फाइव इंटू सिक्स ये इन्होंने में पैसे दिए तो अब हो गया कितना 306 लाख यूनिट होल्डर का 0.0765 ₹ पर यूनिट करके हमारे पास टोटल इनकम कितना है 23.409 ये हमारे पास इतना रुपया पड़ा हुआ है अभी यानी 306 लाख यूनिट पे हमारे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है अप्रैल का किस्सा खत्म अब अप्रैल एंड में इतना है अप्रैल एंड में इतना हो गया अब आगे की हम बात करेंगे अब आगे क्या हुआ मे का महीना मे के महीने में कमाई हुई थर्टी फोर पॉइंट फोर टू फाइव अब बताइए जो मई मे के महीने में कमाई हुई यहाँ पर तो थ्री हंड्रेड लाख यूनिट्स पे कमाया था हमने पर मई मे के महीने में तो अब छह लाख और आई चुके हैं अप्रैल के एंड में तो उनके लिए भी कमाया तो यहाँ पर थ्री हंड्रेड सिक्स लाख यूनिट्स पे इतनी कमाई हुई है थर्टी है ना थर्टी फोर पॉइंट फोर टू फाइव तो हमने कमाया है थर्टी फोर पॉइंट फोर टू फाइव इसमें थ्री हंड्रेड सिक्स लाख पे ही कमाया तो डिवाइड बाय करूंगा थर्टी फोर टू फाइव कमायान टू फाइव कमाया गया इतना कमाया गया हमने तो देखा जाए तो हम बात करेंगे हम ये कहेंगे हमने थ्री हंड्रेड सिक्स लाख यूनिट्स पे टोटल कितना कमा के रखा हुआ है जीरो से था अब और लिया पर यूनिट तो आया हमारा और और इधर आपका देख लीजिए लीजिए प्लस 34 .425, और अब चेक भी कर डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा तो कुल cool मिला के अप्रैल और मे का महीना मिला के इतनी कमाई हुई अप्रैल का इतना कमाई इक्वलाइजेशन में ले भी लिया और मंथ का इतना कमाई हो गया हमारा ठीक है तो यहां तक एकदम परफेक्ट चल रहा है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं यहाँ पर एकदम परफेक्ट चल रहा है अब आप देखिए मे के मंथ के एंड में क्या हुआ आप देखिए यहां पर एट द एंड ऑफ मे मे के एंड में थ्री लाख यूनिट्स हमने रिपर्चेस कर लिया थ्री लाख यूनिट्स हमने रिपर्चेस किया एट ओपनिंग एनएवी लेस टू परसेंट एक्सिट लोड यानी रीपरचेज करते समय तुम तो उनको पैसा देंगे तो जो ओपनिंग एन है उसका हम पैसा देंगे उसको लेकिन उस पर टू परसेंट का एग्जिट लॉट हटा के पैसा देंगे और एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन डिविडेंड का भी जो पैसा उनको बनता है क्योंकि तो ये जो थ्री हंड्रेड सिक्स लाख यूनिट होल्डर है इसमें से इनको थ्री लाख को हम पेमेंट करके चुका देंगे तो अब हम बात करेंगे अब आगे हम बात करेंगे क्या Price of 3 ,00 units, तो उनको पैसा देना पड़ेगा अगर हमें हम पैसा देना पड़ेगा कितना पैसा देना पड़ेगा एक तो हमें ओपनिंग एनएवी देना पड़ेगा उनको एटीन पॉइंट सेवन फाइव ये हमें पैसा देना पड़ेगा साथ साथ मैं आपको बता दूं उनको डिवरेंट का भी जो उनका खाते में हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है ये जो थ्री हंड्रेड सिक्स लाख यूनिट होल्डर पर इतना पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है

समझ में यहाँ से थ्री लाख का चला जाएगा क्योंकि हम तो 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 इतना पैसा दे देंगे लैक्स में। तो यानी ये पैसा जाएगा लेकिन हम जब ये जाएंगे ना तो इनको हम बोलेंगे एग्जिट लोड दूंगा यानी बैकहेंड लोड तू जा है ना तो टू परसेंट का एग्जिट लोड तेरे पे चार्ज किया जाएगा एटीन पॉइंट ओपनिंग एनएवी पे ही चार्ज करना इनटू टू परसेंट पॉइंट थ्री सेवन फाइव चार्ज किया जाएगा उन पर कहने का मतलब ये उनको दिया जाएगा पर इतना काट के दिया जाएगा और डिविडेंट इक्वलाइजेशन भी उनको दिया जाएगा कुल तो मिला के कितना दिया जाएगा एटीन पॉइंट फाइव सिक्स फोर पर यूनिट है ना कितना तो टोटल अमाउंट हम उनको कितना दे देंगे टोटल अमाउंट हमको बोलेंगे आप तीन लाख यूनिट्स हम खरीद रहे करके हम आपको दे देंगे इन तीन लाख फिफ्टी फाइव पॉइंट सिक्स नाइन टू आप लेके जाइए इतना लाख आप लेके जाइए तो इतना लाख अगर वो लेके जाएंगे तो हमारे खाते से फिफ्टी फाइव पॉइंट 692 चला जाएगा, है ना? और मई मे का महीना में हमारी कमाई भी तो वही है थर्टी फोर पॉइंट फोर टू फाइव सकता हूं चाहूँ तो ये मे मई के महीने की कमाई हुई है ये हम दिखा सकते हैं अब देखिए मई एंड में क्या हुआ हमारा मई एंड में तीन लाख वाले चले गए उनको उनका बराबरी का हक भी हमने दे दिया तो थ्री हंड्रेड थ्री लाख बचा अब इनका पॉइंट वन एट नाइन करके बचा इनके खाते में कितना बचा फिट एट थ्री फोर माइनस पॉइंट फाइव सिक्स सेवन फिफ्टी सेवन पॉइंट टू सिक्स सेवन इतना बचा ये हमने निकाल के इतना बचा अब मे का कमाई है ना ये इनकम ऑफ मे हो गया ना अब इनकम ऑफ जून जून की कमाई कितनी है जून में फोर्टी फाइव पॉइंट फोर फाइव की कमाई हो रही है कितने लोगों के लिए थ्री हंड्रेड थ्री लोगों के लिए क्योंकि तीन तो गए अब जून में थ्री हंड्रेड थ्री लोग बचे उनके लिए डिवाइड like पर आपका थ्री हंड्रेड थ्री लाख का पॉइंट वन एट नाइन प्लस 0 0 आ रहा है इधर आ जाएगा प्लस ये हमने कर दिया। तो जून का महीना तक हमने बोला इतने यूनिट होल्डर बचे हुए इतना रुपया करके हमारे पास टोटल इतना बचा हुआ है ना इतना हमारे पास टोटल बचा हुआ है आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो पहला महीने का पॉइंट जीरो सेवन सिक्स फाइव था दूसरा महीने का पॉइंट वन वन टू फाइव था और तीसरा महीने का पॉइंट वन फाइव ये तीन को टोटल करोगे ना पॉइंट थ्री थ्री नाइन आ जाएगा एक बार आप चेक कर सकते हो पॉइंट जीरो सेवन सिक्स फाइव सबके लिए पहला महीने का पॉइंट डबल वन टू फाइव दूसरा महीने का पॉइंट वन फाइव तीसरा महीने का पॉइंट थ्री थ्री नाइन आ रहा है क्योंकि जो गए वो तो अपना हिस्सा लेके गए ना जो बचे हुए उनके पास जो जितना बचा हुआ उनको तो ये सारा हिस्सा मिलेगा क्योंकि जो नए आए वो भी एक्स्ट्रा से पैसे लेके आए और जो गए वो अपना हिस्सा लेके गए तो यहां पर ये अब इतना हक बचा हुआ है इनका ये हमने समझा यहां तक और यहां पर हमने ये भी पार्ट निकाल लिया दोनों ये दोनों किस्सा भी हमने निकाल लिया यहां पर अच्छे से अब देखो मैंने ये जो आया गया उसका मैंने प्लस माइनस कर दिया था ना इतना पैसा तो जाएगा तो ये माइनस पे होगा रुक जाओ ये माइनस पे ये तो जाएगा ये आया ये गया और इनकम दोनों लिखा तीसरा महीने का फोर्टी फाइव पॉइंट फोर फाइव मैंने नहीं लिखा था ये भी मैंने लिख दिया इनकम तीसरा महीने का भी इनकम आ जाएगा अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला बोला जून के महीने में सत्तर परसेंट आपका जो अवेलेबल इनकम है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सेवेंटी परसेंट इनकम जितना कमाई है इसका सेवेंटी परसेंट मान लो आपने बट बंटवारा कर दिया तो पॉइंट थ्री थ्री नाइन का सेवेंटी परसेंट सेवेंटी परसेंट डिस्ट्रीब्यूटेड कितना तीन सौ तीन लाख लोगों को हमने क्या किया पॉइंट थ्री थ्री नाइन का सेवेंटी परसेंट कितना होता है पॉइंट टू थ्री सेवन थ्री हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना इंटू तीन सौ तीन सेवेंटी जीरो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो बचा कितना हमारे पास तो रिटेन इनकम बचा तीन सौ तीन लाख लोगों के लिए पॉइंट थ्री थ्री नाइन का थर्टी परसेंट बचा हमारे पास 0.1017 है ना डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 303 कर लूं 30.825 कितना बचा तो ये हमारा हो चुका तो अब देखिए ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 70% 71.901 ये हमारा कैश कम हो जाएगा 71.90 19 हमारे ये कैश कम हो जाएगा इतना पैसा हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बस बात खत्म तो क्वेश्चन है पूछा इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बताइए हमने मंथ बता का एंड का ये सिक्स फोर फिर बोला नेट एसेट वैल्यू बता दो थर्टी जून का तो ये नेट एसेट वैल्यू तो यहीं से आ जाएगा हमारा यहीं से आ जाएगा और इसमें हमें एक चीज और एड करना होगा पोर्टफोलियो वैल्यू एप्रीसिएशन आपके एसेट को वैल्यू को बढ़ाएगा तो पर आप ऐड कर दीजिए तो यहाँ पर एडलेस में, एक बार में करा है आपको ये बैलेंस मैं, मैं, मैं क्या बोल रहा हूँ इतना मेरा शुरुआत में नेट एसेट था ठीक है मैंने इशू किया छह लाख यूनिट उसमें मुझे इतने पैसे मिले और इनकम का पैसा तो ये रहा अप्रैल महीने का मई में महीने का जून महीने का इनकम ये रहा और हमने एंड में सत्तर परसेंट बांटा वो भी ये रहा और ये आपका हो गया इशू प्राइस छह लाख यूनिट इशू करने का पैसा मिला तीन लाख यूनिट रिडीम करने का इतना पैसा गया और ये पोर्टफोलियो वैल्यू एप्रिशिएशन हुआ हमारे इतने का का जो एसेट वैल्यू बढ़ाएगा तो अब इन सबको अगर मैं प्लस माइनस कर लू तो मेरा एन आ जाएगा उससे एन पर यूनिट निकाल लूंगा मैं यहाँ पर तो चलो मैं करता हूँ अभी आप एक बार फाइव सिक्स टू फाइव प्लस वन वन फाइव पॉइंट टू जीरो प्लस ट्वेंटी टू पॉइंट नाइन फाइव माइनस फिफ्टी फाइव पॉइंट सिक्स नाइन टू प्लस थर्टी फोर पॉइंट फोर टू फाइव प्लस फोर्टी फाइव पॉइंट फोर फाइव माइनस सेवेंटी वन पॉइंट नाइन जीरो वन नाइन प्लस फोर ट्वेंटी फोर सेवन वन फोर जीरो नाइन वन और नंबर ऑफ यूनिट लास्ट में बच्चे कितने तीन सौ तीन ही बच्चे तो आपका एनएवी पर यूनिट कितना होगा डिवाइडेड है तो हम मान सकते हैं एक बार मैं आंसर देख लेता हूँ ट्वेंटी पॉइंट टू सेवन आ रहा है क्या हमारा ट्वेंटी पॉइंट टू सेवन या क्या सिक्स वन फोर जीरो पॉइंट नाइन वन जीरो वन हमने दो डिजिट लिया ना पर चार में भी लेते तो ये पूरा ही आता हमारा है ना नाइन वन जीरो वन था जहां मैं चार पूरा लेता हूँ वहां इसे दो ले लेता है जहां मैं दो लेता हूँ वहां इसे चार लेते हैं इनका कोई भरोसा नहीं कोई ठिकाना नहीं है ये कुछ भी करते हैं डिवाइडेड थ्री जीरो थ्री चलो तो जो ट्वेंटी पॉइंट टू सेवन आंसर हमारा आ चुका है यहाँ पर परफेक्ट है तो आप देखिए यहां पर यहां पर बस वही जो मैंने लिखा था इन्होंने थोड़ा सा सही से प्रेजेंटेशन कर दिया मैं यहां पर ले जाता हूं इससे मैं आपको दिखा दूंगा जो मैंने किया वही है और कुछ नहीं है अरे दूसरा चीज कॉपी हो गया रुको ये देखिए मैंने लिया था लिया था शुरुआत में में पोर्टफोलियो वैल्यू उन्होंने पहले ले यूनिट पैसे आए हैं और रीपर्चे में पैसे गए माइनस हो गया इनकम इकट्ठा तीनों महीने का एक साथ ले लिया गया और इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पर माइनस कर दिया गया सेवन पॉइंट नाइन जीरो आ गया बस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वैसे नंबर लिखा है सारा और इन्होंने भी वही सारा फिगर लिया जिससे इनका अल्टीमेटली ट्वेंटी पॉइंट टू सेवन आ रहा है आपका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका आराम से तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है बाकी इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थर्टी पॉइंट लेते हैं कि नहीं आ रहा है निकाला तो आप मुझे बताइए आराम से आप ये कर लोगे सारा चीज मैंने अच्छे से आपको प्रेजेंट करवा दिया एंड ये क्वेश्चन हमने फाइनली एकदम अच्छे से समझ के कर लिया अब मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आपको टफ लगेगा बस चाहिए तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं आपको ऐसे ही टफ लग रहा है क्वेश्चन टफ बिल्कुल भी नहीं क्वेश्चन बस प्रैक्टिस की जरूरत है और अंडरस्टैंडिंग तो मैंने बेस्ट दी अपनी तो आप मुझे बता दीजिए क्या ये समझ में आया पूरे अच्छे तरीके से थैंक यू सो मच मेडिटेशन जी कह रहे इतने आसान तरीके से कोई नहीं समझा सकता किंग चलो थैंक यू सो मच और बाकी सभी को भी समझ में आ गया तो मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए ताकि हम आगे प्रोसीड करें फिर समझ में आया हाँ एंट्री लोड एग्जिट लोड जनरली एनएवी में ओपनिंग में कैलकुलेट होता है बाकी डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या कहते हैं यहाँ पर क्वेश्चन ने बोली दिया देखो ओपनिंग एनएवी प्लस टू परसेंट लोड और यहाँ पर ओपनिंग एनएवी लेस टू परसेंट एक्जिट लोड यहां पर बता दिया ना ओपनिंग एनएवी तो उसी में हम लगाएंगे वरुण जी राउंड ऑफ कुछ नहीं होता ये राउंड ऑफ क्या क्लियर करूं मैं ऐसे खुद पागल है वो कहीं पर दो डिजिट ले रहा है कहीं पर तीन डिजिट ले रहा है मैंने कितने बार ये भी देखा कि क्वेश्चन में दो डिजिट है देखो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में हर जगह पे कितना दो या तीन डिजिट तो यहाँ पर आप बोलोगे चलो तीन डिजिट ले लेते क्योंकि क्वेश्चन में तीन डिजिट है आंसर में दिख रहा है चार डिजिट है। कोई माई बाप नहीं इनका ये कोई यूनिफॉर्मिटी फॉलो ही नहीं करते मैं क्या ही बताऊँ आपको यहाँ पर मैं तो ये कहूंगा तीन या चार डेसिमल प्लेसेस में आप जा सकते हो अतुल जी एनुअलाइज रिटर्न का कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है एक मिनट कुछ गले में अटका है लगता है एक मिनट रुकिया हम मैं आ रहा हूं चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। पता नहीं वो कुछ क्या अटका हुआ निकल ही नहीं रहा हो अंकित जी ये मंथ के ओपनिंग एनए की बात नहीं है एकदम ओपनिंग क्योंकि हम डिविडेंड इक्वलाइजेशन का कंसेप्ट को अलग से रख रहे हैं यानी एनए समझिए अब ईयर एंड में एक ही बार निकलेगा ऐसे भी एनए बार बार निकालना नहीं होता ईयर एंड में एक ही बार निकलेगा हर मंथ में हम क्या करते हैं वो डिविडेंड इक्वलाइजेशन का कंसेप्ट लगा रहे ना इसलिए देखो हर मंथ का जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन जो बन रहा है उसको मैं एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि डिविडेंड इक्वलाइजेशन आप अलग से करो तो ओपनिंग एनएवी मतलब पूरा फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग का ओपनिंग एनएवी हम लेंगे ठीक है तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना अच्छे से किसी को कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे चलो अच्छी बात है संध्या जी आपको एफ में एग्जाम्सन आ गया बहुत ही अच्छी बात है एफ आर एस एफ एम एग्जामसन आना बहुत ही आसान है राजेश जी मैं मछली वगैरह नहीं खाता मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ बेंगे मारवाड़ी हम अग्रवाल है हम हम मतलब नॉन वेज मतलब अंडा भी नहीं खाते हम चलो तो फिर नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन करेंगे एक और काफी अच्छा क्वेश्चन है वो मुझे कराना है आप लोगों को वैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन

जुलाई को मिस्टर एक्स ने ड्यूरिंग द इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ म्यूचुअल यहाँ पर आपने वन लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किया है तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितना लिया होगा वन लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किया गया दस रुपया करके टेन थाउजेंड यूनिट्स को ये में पता चला। यानी कितने महीने बाद? देखो जुलाई को initial public offer चालू एक जुलाई को ही चालू चालू हुआ। हुआ। जुलाई जुलाई ही से लेकर तक कितना महीना होता है जुलाई अगस्त दिसंबर नाइन मंथ्स होते हैं म्यूचुअल फंड ने डिक्लेयर किया टेन परसेंट का डिविडेंड व्हेन मिस्टर एक्स कैलकुलेटेड एट हिज होल्डिंग पीरियड रिटर्न होल्डिंग पीरियड रिटर्न वन वन फाइव परसेंट है यहां पर कितनी बार एनुअलाइज रिटर्न भी लिखा हुआ रहता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे एक और क्वेश्चन है जिसमें एनुअलाइज रिटर्न लिखा हुआ रहता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न परसेंट मतलब ये जो वन वन फाइव परसेंट है पीरियड ऑफ होल्डिंग का रिटर्न ही है मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग रिटर्न कब से कब एक जुलाई दो हजार बारह से लेके थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार तेरह है ना डेट इज नाइन मंथ काउजेंड थर्टीन तो, तो एंटायर रिटर्न बता दिया पीरियड ऑफ होल्डिंग एक सौ पंद्रह परसेंट तो पहले एक लाख था ओपनिंग एनएवी था कमाई की हमने हंड्रेड फिफ्टीन परसेंट और वन लैख तो आपका आप हो गया टू तो लाख फिफ्टीन थाउजेंड क्लोजिंग और पीरियड ऑफ मेरी बात सुनिए रिटर्न जो होता है ना ये रिटर्न इंक्लूड करता है डिविडेंड कैपिटल गेन सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड रहता है हमने तो टोटल कमाया इतना एक लाख कमाया और एक था पहले से और एक लाख पंद्रह हजार और कमाया टोटल इतना वैल्यू हमारा है लेकिन हमने डिविडेंड भी तो किया टेन परसेंट और डिविडेंड हमेशा तो मार्केट वैल्यू में लगता है वन पे हमारा। तो आपका डिवरेंट इसमें एडजस्ट होगा माइनसेंट कितना दिया गया होगा टेन थाउजेंड डिवरेंट दिया गया होगा टेन परसेंट ऑफ वन लाख ना फेज वैल्यू पे दिया जाता है तो आपका एनएवी हो जाएगा क्लोजिंग एनएवी आफ्टर डिविडेंड डिविडेंड देने के बाद ही तो क्लोजिंग एनएवी आएगा हमारा टू लैख फाइव थाउजेंड आएगा नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है टेन थाउजेंड है तो देर एनएवी पर यूनिट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थर्टीन को ये कितना आ जाएगा ट्वेंटी पर यूनिट ये हमारा आ गया ट्वेंटी पर यूनिट हमारा

फंड डिविडेंड 20%. 20 फिर आगे, पढ़ते है। आगे और 31st 2015, ने रिडीम किया कि .11 तो आप आपके पास तो टेन थाउजेंड यूनिट ही था और ये आगे जाके वन वन टू नाइन सिक्स कैसे हो गया क्वेश्चन ने एक चीज एक इन्फॉर्मेशन नहीं दी यहाँ पर उन्होंने नहीं बताया कि हो रहा है। उन्होंने ये नहीं बताया

क्या करेगा री इन्वेस्टमेंट करेगा कौन सा अमाउंट पे करेगा जो एन रहेगा उसी में री इन्वेस्टमेंट करेगा तो मानेंगे थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड थर्टीन को ही जो डेट है यहां पर क्या हो रहा है डिविडेंड हो रहा है और जिसमें एडिशनल यूनिट्स कितना मिलेगा उसे टेन थाउजेंड रुपया उसने री इन्वेस्टमेंट किया ट्वेंटी पॉइंट फाइव जीरो था पहले आप एनएवी निकालना पड़ेगा आपको तो 20.50 था जिसमें 10,000 हमने दी इन्वेस्टमेंट किया डिवाइडेड 20.5 यार अ 487.80 है ना तो therefore आपका टोटल यूनिट्स कितना हो गया आफ्टर रीइन्वेस्टमेंट पहले से 10,000 था ही और आपको 487.80 मिल गया यानी 10487.80 यूनिट्स आपके पास है ठीक है और आगे जाके आपका एनएवी पर यूनिट भी यही आने वाला है आप चेक कर सकते हो क्योंकि दस हजार रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ तो उतना यूनिट्स भी तो इशू है तो अमाउंट बढ़ा आपका में तो आपका यूनिट्स भी बढ़ गया आप देखिए आगे दो लाख पांच हजार था ना दस हजार रुपये इन्वेस्टमेंट करने पर दो लाख पंद्रह हजार हो जाएगा और डिवाइडेड बाई आप पॉइंट एट जीरो करिएगा तो आपका ट्वेंटी पॉइंट फाइव ही आने वाला है क्योंकि यूनिट्स के साथ साथ अमाउंट भी बढ़ रहा है उतना ही प्रपोर्सन में अब आगे क्या बोला इन्होंने

तो ये टोटल फेज वैल्यू हो गया ये यूनिट्स हो गया ये फेज वैल्यू पर यूनिट हो गया इस पे ट्वेंटी परसेंट दिया जाएगा क्योंकि फेज वैल्यू पे डिविडेंड दिया जाता है ये आ जाएगा नाइन सेवनटी फाइव पॉइंट सिक्स जीरो इतना डिविडेंड डिक्लेयर किया गया यही ही री इन्वेस्ट किया जाएगा ये अमाउंट क्या करेगा री इन्वेस्ट कर देगा एडिशनल यूनिट्स अब हमें ये नहीं पता हम कैसे पता करें एन तो दिया हुआ नहीं है है ना हम कैसे पता करें कि कितना यूनिट्स मिला है पर आपको पता चल जाएगा देखिए इसके बाद आगे कभी भी डिविडेंट दिया हुआ नहीं है डिविडेंट मिलेगा तभी तो री होगा आगे तो डिविडेंट दिया हुआ नहीं है हमारा टोटल यूनिट्स था कितना यूनिट्स था पर यहां पर अब हो जा रहा है यानी आपका नंबर ऑफ यूनिट्स कितना परचेज हुआ पता चल जा रहा है क्योंकि अपने आप तो बढ़ेगा नहीं 1.1296.11 यूनिट्स हो गया अभी पर हमारे पास तो इतना था ही नहीं हमारे पास तो था कितना 1.0487.80 यूनिट्स था तो मतलब बाकी का जो यूनिट्स बढ़ा है उतना हमने परचेज किया ये पैसा देखें 1.1296.11 माइनस 1.0487.80 यानी 8.88.31 यूनिट्स हमने परचेज किए

तो मेरी बात सुनो इतना पैसा हम री इन्वेस्टमेंट करें तो मैं इतना यूनिट्स मिला अब बताओ री इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यूनिट्स हमें किस बेसिस में मिलेगा के बेसिस में तो मिलेगा आगे आप आप पिछली बार अगर आग देखोगे आपने जो निकाला था कितना यूनिट्स री इन्वेस्टमेंट हुआ है जो एनएवी था उसी भाव में तो आप खरीदोगे तो हमें ये पता चलेगा कि देखो आपने इतना अमाउंट दिया तो आपको इतना यूनिट मिला तो एक यूनिट का कॉस्ट कितना पड़ा कॉस्ट पर यूनिट परचीज कितना कॉस्ट पड़ा हमने टू जीरो नाइन सेवन फाइव पॉइंट सिक्स जीरो इन्वेस्टमेंट किया तो हमें एट जीरो थ्री वन यूनिट मिला तो एक यूनिट का कॉस्ट कितना पड़ा ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन फाइव ट्वेंटी तो ट्वेंटी लिख देंगे और यही तो आपका एन हो गया थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन का ये टू थाउजेंड फोर्टीन का हो गया आपका ये फोर्टीन है ना फिफ्टीन नहीं है हाँ 14 का आपका एनएवी आ गया थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन का क्योंकि एनएवी में ही में तो हम खरीदते हैं तो हमने अभी तक एनएवी निकाल लिया कौन सा कौन सा थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड थर्टीन का थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन का हमने एनएवी निकाल लिया ट्वेंटी पॉइंट एक था हमारा फाइव और एक है ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन फाइव ये हमने दो एनएवी निकाल ली अब हम एक और थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फिफ्टीन की बात करेंगे मैं आगे रिवाइज करा दूंगा मैं आपको फिर भी एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज करा देता हूं मैंने क्या बोला इतना यूनिट था हमारी कमाई इतनी हुई थी पहले नौ महीने में है ना फर्स्ट ईयर एंड में तो इतना टोटल बना इसमें डिविडेंड इतना दे दिया तो एन इतना रहा नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से एन पर यूनिट निकाल दिया अब जो डिविडेंड का पैसा ये मिला ये री इन्वेस्ट होगा इसी एनएवी पे तो इतना एडिशनल यूनिट हमें मिला तो टोटल यूनिट हमारे इतना हो गया अब नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पता चला इतना अमाउंट है

और एंटायर पीरियड का एंटायर होल्डिंग पीरियड का हमारा रिटर्न इतना है 202.17 यानी कितना पीरियड फर्स्ट ईयर का नौ महीना सेकेंड ईयर पूरा थर्ड ईयर पूरा यानी 24 मंथ्स 9 मंथ कितना हो गया 24 मंथ्स और 9 मंथ्स आपका 33 मंथ्स हो गया एंटायर 33 मंथ्स का आपका रिटर्न है 202.17% तो आपका एनएवी एट बिगनिंग जो था इन्वेस्टमेंट एट बिगिनिंग जो था वन लाख था एंटायर पीरियड रिटर्न टू जीरो टू पॉइंट वन सेवन परसेंट तो देयर फॉर क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कितना होगा हमारा वन लैख प्लस टू जीरो टू पॉइंट वन परसेंटेज थ्री जीरो टू वन सेवन जीरो ये क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा तो क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट हमें पता चल गया जीरो और नंबर ऑफ यूनिटल सिक्स पॉइंट वन वन ना ये वाला डेर फोर एन एव पर यूनिट आ जाएगा थ्री जीरो टू वन सेवन जीरो और आपको कोई डिविडेंड वगैरह लेना नहीं क्योंकि वो सारे री हो गए आपके पास ऐसे भी कुछ आए नहीं है ना आखिर में आपके पास कितना पैसा है क्योंकि जब भी बीच में पैसे मिले सब री इन्वेस्टमेंट कर दिए आखिर में आपको पैसा इतना का वैल्यू दिख रहा है आपको और कितना यूनिट का डबल वन टू नाइन सिक्स पॉइंट वन वन है तो आपका आ गया ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सेवन फोर नाइन ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सेवन फाइव ये आ गया हमारा आंसर तो हमारा आंसर तीनों आ गया ये वाला ये वाला और ये वाला परफेक्ट आराम से हमने निकालिए एक बार चेक कर लेता हूँ चलो ठीक है सही है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है है ना आराम से अब ये क्वेश्चन कर सकते हो बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस की डिमांड करेगा थोड़ा सा प्रैक्टिस की डिमांड करेगा ये क्वेश्चन एंड आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो एंड ऐसा सिमिलर एक और क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल में उसमें बस मैं बता दू कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन एकदम सेम सेम आंसर भी आएगा इन्होंने देखिए इन्होंने क्या बोला यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर इन्होंने बोला एनवलाइज इल्ड है बारह महीने का वन फिफ्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट है बारह महीने का लेकिन एक जुलाई से इकतीस मार्च तक नौ महीना होता है तो आपका नाइन मंथ्स का में चाहिए Nine months का हम क्या करेंगे? Into 9 by 12 करेंगे। तो तो आप देख लीजिए करोगे, ही आएगा। जो सीधा पिछले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, है ना? तो यहां पर बस पूछने का तरीका का तरीका अलग। इन्होंने बोला, जिससे हम कैलकुलेट कर लेंगे दूसरी चीज इन्होंने मैं end में बताया कि आपका एनुअलाइज टू परसेंट है एनुअलाइज पर हमारा टोटल पीरियड क्या है पहले साल का नाइन मंथ्स दूसरे साल का बारह महीना तीसरे साल का भी बारह महीना है ना तो आपका नाइन मंथ्स का ये तो आपका एनुअलाइज सेवेंटी थ्री पॉइंट है तो पहले साल तो सेवेंटी थ्री पॉइंट टू का नाइन बाई लेंगे दूसरे साल पूरा 73.52 लेंगे तीसरे साल भी पूरा 73.52 लेंगे बस पहले साल 73.52 का नो महीना लेंगे क्योंकि एनुअलाइज यानी एक साल का ही है तो 55.14 आएगा प्लस कर देंगे 73.52 73.52 अब देखिए ये मिला के आपका आएगा कितना 202.17% ही आएगा तो बस यहाँ पर पूछने का तरीका अलग है है ना वहां पर आपको सीधा डेटा दिया हुआ था यहाँ पर आपको डेटा निकालना पड़ रहा है एक साल का डेटा इतना है तो तेतीस महीने का कितना होगा आप ऐसे भी कर सकते हो तो जाएगा जो है, ये का। पे इंटू थर्टी थ्री मंथ कर दोन सेवन परसेंट आ जाएगा आपका यहाँ पर और ये भी मैंने कहा बारह महीने का दोनों महीने का आ जाएगा बाकी क्वेश्चन जो है ना सेम एस क्वेश्चन नंबर एटीन है एकदम सेम एस क्वेश्चन नंबर एटीन तो इसमें तीन वेराइटी के क्वेश्चन है सेवनटीन भी ऐसे ही आप आराम से कर लोगे सिमिलर क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे यहाँ पर है ना तीन अलग अलग है बस क्वेश्चन सेम ही तीनों के तीनों हल्का सा फर्क है तो सेवनटीन आप आराम से कर लोगे सिक्सटीन और एटीन तो मैंने पूरा बता दिया सिक्सटीन और एटीन तो एक्जैक्टली exactly सेम ही है बस हल्का सा पूछने का तरीका अलग है आंसर पूरा सेम ही आएगा आपका Dividend, हाँ नीरज जी सेकंड डिविजेंड हाँ ट्वेंटी परसेंट पिछले वाला में भी तो ट्वेंटी परसेंट ही था एटीन में भी तो ट्वेंटी परसेंट ही था ये देखो और हमने ट्वेंटी परसेंट के हिसाब से निकाला भी तो था हमने कहा था सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर के एंड में यूनिट्स बढ़ गया था टेन थाउजेंड से वन जीरो फोर एट सेवन पॉइंट एट जीरो हो गया था ये वाला हो गया था ठीक है और इसी पे दस रुपए का फेस वैल्यू करके ट्वेंटी परसेंट रिविटन इतना पैसा मिला जो कि री इन्वेस्टमेंट हुआ और री इन्वेस्टमेंट करने पर इतना यूनिट आया यानी अल्टीमेटली आपका एन एवी में इससे पता चल गया और लास्ट में टोटल एन ए हमारा कितना हो रहा है ई एम ए पता चला क्लोजिंग एनएवी एंटायर पीरियड का रिटर्न से है ना और नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया हमारा आंसर आ गया बस बात खत्म कुछ है नहीं यहाँ पर तो बताओ समझ में आया या नहीं आया अच्छे से मुझे बताओ फटाफट से जल्दी से मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया जल्दी जल्दी बताओ समझ में आया नहीं है तब हम आगे बढ़ते ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था एंड हमने अच्छे से किया है तो मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया तब मैं आगे बढ़ता हूँ फिर क्योंकि हम ज़्यादा समय भी नष्ट नहीं कर सकते सबको कमेंट करना और बताना समझ आया नहीं आया नहीं वीडियो तो ये नहीं रहेगा आप लोग को देखना चाहिए था मैं लाइव इसलिए तो आया था कि आप लोग देख के खत्म करो। बताओ जल्दी से बताओ समझ में आया आगे बढ़ू नेक्स्ट क्वेश्चन पे कितना में थक गए आप परफेक्ट है बाकी थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब होगा पर अच्छा खासा हमने क्वेश्चन कर लिए ये सनमून वाला क्वेश्चन अभी नहीं ले सकता लूंगा तो आपके तोते उड़ जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत वर्किंग है लेबर वर्क है इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन वर्किंग है और अभी आप इतने सारे कर लियो ना तो आपका वो मूड नहीं रहेगा अभी करने का मैं कोशिश करूंगा वो एक ही वरायटी का एक क्वेश्चन जो है एक सेपरेट वीडियो में समझाने का रिविजन कराने का कोशिश जरूर से करूँगा मैं पर अभी मैं सोच रहा हूँ कोई दूसरा क्वेश्चन कराऊँ ये साफ रईश ये तो पोर्टफोलियो में करवाया है मैंने शायद है ना पोर्टफोलियो में करवाया हुआ, नहीं पोर्टफोलियो का करने का है कभी करने का मतलब बनेगा नहीं बनेगा क्या करें अभी वीडियो को समाप्त करें क्या हम कि क्वेश्चन ट्वेंटी एट करा दो बताओ क्वेश्चन ट्वेंटी एट कराना है आप बोलोगे तो कराऊंगा नहीं तो वीडियो को यहीं खत्म कर दूंगा मैं ट्वेंटी एट करना है या नहीं करना है फारिक जी रिवर्स एनएवी का कराऊंगा पर अभी इस वीडियो में नहीं कराऊंगा क्योंकि वो अलग से पार्ट है आरटीपी एमटीपी पास पेपर के क्वेश्चन जो है अभी फिलहाल हमारा फोकस है कि आ, ये एसएम के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस मैनुअल ये अच्छे से हमारे कवर हो जाए करते हैं चलो तो ये हमारे एक आखिरी क्वेश्चन जो है हम ये कर लेते हैं ये डिस्कस करा देता हूं फटाफट से देर आर टू म्यूचुअल फंड्स विद डी म्यूचुअल फंड एंड के म्यूचुअल फंड दो अलग अलग म्यूचुअल फंड है डी म्यूचुअल फंड और के म्यूचुअल फंड ईच हैविंग क्लोज क्लोज एंडेड एंडेड इक्विटी में ये होता है कि वो बार बार आपका खरीदा नहीं जा सकता ओपन एंडेड में हम बार बार खरीदना बेचना करते हैं हम ओपन एंट्री एग्जिट बार बार कर सकते हैं वहां पर एन एवी एस ऑन थर्टी दिसंबर टू थाउजेंड फोर्टीन ऑफ इक्विटी स्कीम्स ऑफ डी म्यूचुअल फंड इज बता दिया थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड फोर्टीन को

मतलब जो डी म्यूचुअल फंड है ना इसका NIV है 70.71 अब NIV मतलब क्या नेट एसेट जिसमें इसने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रखा हुआ है 99% और कैश इसका है 1% यानी 70 का इक्विटी और point seven one का कैश है हाँ point seven zero percent point seven one का कैश हो गया हमारा और अगर के म्यूचुअल फंड की बात करो तो इसके पास 62.5 है NIV इसका जिसमें इक्विटी इसका नाइनटी सिक्स परसेंट है और कैश फोर्टी सिक्स फोर परसेंट है का 4%, इसका हो गया और सिक्सटी इसका इक्विटी हो गया ये हमने बायफरकेशन कर लिया आगे देखते हैं फॉलोइंग इज द अदर इन्फॉर्मेशन सार्प रेशियो दिया हुआ है ट्रेनर रेशियो दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है दोनों का रिशो, ट्रेनर दोनों का दिया हुआ है। दियार इज नो चेंज द नेक्स्ट मंथ एंड एनुअल एवरेज कॉस्ट इज रुपये थ्री पर स्कीम्स ऑफ बोथ द म्यूचुअल तीन रुपया म्यूचुअल इफ शेयर मार्केट जो है वो पांच परसेंट से गिरेगा कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एन एव आर ए मंथ फॉर द स्कीम्स ऑफ बोथ म्यूचुअल फंड कैलकुलेस कंसिडर ट्वेल्व इन ईयर एंड इग्नोर नंबर ऑफ डेज फॉर पर्टिकुलर मंथ मैं आपको बता दूं अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं किया हुआ है तो ये आपको समझ में नहीं आएगा पोर्टफोलियो किया हुआ है तो ये आपको समझ में आएगा क्योंकि आपको पोर्टफोलियो भी आना चाहिए दूसरी चीज हमने देखा था मार्केट पांच परसेंट से गिरेगा तो म्यूचुअल फंड कितना से गिरेगा उसके लिए हमें म्यूचुअल फंड का बीटा निकालना पड़ेगा मार्केट का बीटा वन होता है म्यूचुअल फंड का बीटा हमें निकालना पड़ेगा तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास डेटा दिया हुआ है ना तो मैं रेशियो हम लोग निकालते थे ना एक्स्ट्रा रिटर्न पर यूनिट ऑफ एस डी और ट्रेनर रेशियो में हम निकालते थे एक्स्ट्रा पर यूनिट ऑफ बीटा आपको याद होगा ये सारा चीज मैंने पोर्टफोलियो में सिखाया हुआ है तो सार्प रेशियो यहां पर क्या होगा एक्स्ट्रा रिटर्न पर यूनिट ऑफ एसडी होता है और एक्स्ट्रा रिटर्न का मतलब क्या ई आर माइनस आर एफ यहां पर अगर मैं डी म्यूचुअल फंड की बात करूं इसका साफ रेशियो अगर मैं निकालू मैं कहूंगा ई आर माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई एस डी ठीक है और यहां पर ट्रेनर रेशियो चलो इसका हम देख लेंगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हम कैसे निकालेंगे कुछ मिसिंग कर रहा हूं मैं रुक जाओ अकबार ना एवरेज कॉस्ट तीन रुपए लग रहा है एंड आपका यहां पर एक महीने का डेटा दिया हुआ है क्या थर्टी फर्स्ट दिसंबर का एन एवी हमारा कंसिडर ट्वेल्व मंथ देर इज नो चेंज इन द ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ आपका कोई चेंज नहीं तो एक महीने की बात कर रहे हैं टू म्यूचुअल फंड है क्लोज है और यहाँ पर इक्विटीज सेवेंटी पॉइंट रिवेनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पर आपका और सांप रेशियो हमारा स्टैंडर्ड डन वगैरह दिया हुआ कोई चेंज नहीं है एनुअल एवरेज कॉस्ट तीन रुपया पड़ जा रहा है हमारा स्कीम बोध म्यूचुअल फंड्स का और मार्केट पाँच परसेंट से गिरेगा तो हमारा कितना से गिरेगा ये हम देख लेंगे तो सांप रेशू आ जाएगा फिर हमारे इधर बीटा हमें चाहिएगा मेनली तो बीटा हमें निकालना है यहाँ पर तो ठीक है एक काम करते हैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्रेनर रीशू क्या होगा हमारा ये होगा आर माइनस आर एफ बाई बीटा होता है तो डी की में बात करू बार भूल जाओ डी की बात करें डी का साफ रेशियो में ऐसे निकालते हैं और ट्रेनर रेशियो में ऐसे निकालते हैं है ना अब रेशियो दिया हुआ टू और ट्रेनर रेशियो दिया हुआ फिफ्टीन तो ऊपर वाले में मैं लिख सकता हूं टू इंटू एस डी एस डी भी दिया हुआ देखो इलेवन पॉइंट टू फाइव टार रेशियो दिया हुआ है टू और एसडी दिया हुआ है 11.25 इक्वल ईआर माइनस आरएफ सो देयरफॉर ईआर माइनस आरएफ हो जाएगा हमारा कितना 1122.5 अब ईआर माइनस आरएफ का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 22.5 और ट्रेनर रेशियो हमारे पास है ही 15 बीटा देयरफॉर बीटा आ जाएगा 22.5 15 तो बीटा आ गया वन पॉइंट फाइव तो मैंने क्या किया यहाँ पर इन दोनों की मदद से मैंने बीटा निकाल लिया किसका बी म्यूचुअल फंड का बीटा निकाली मैं आपको वापस से बता दू आपको पोर्टफोलियो आना चाहिए जिसमें आपको ये पता रहना चाहिए ये पता रहना चाहिए

क्योंकि वन पॉइंट फाइव बेटा है ना तो पांच की जगह फाइव सेवन पॉइंट फाइव परसेंट से गिरेगा ये मैं पता चला अब देखो डी का क्या है डेटा डी का डेटा ये रहा सेवेंटी और .71. 70 का है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट और पॉइंट सेवन वन का कैश है चलो मुझे जगह चाहिए यहां पर ही यहां पर ही कर रहा हूँ मैं तो डी की अगर मैं बात करूं इसका इक्विटी कितने का है और कैश कितने का इक्विटी सेवनटी का है पॉइंट सेवन वन का कैश है तो इक्विटी में सेवन पॉइंट फाइव परसेंट का गिरावट आएगा 70 minus percent. .75 आया और कैश में भी तो देखो खर्चा हुआ ना इन्होंने यहां पर एक मंथ की बात कर विदिन मंथ की बात कर एक महीने की बात कर तो आपका एवरेज कॉस्ट तीन रुपया खर्चा होता है पूरे साल भर में, में का है ना और एक महीने का कितना होगा फिर एनुअल लिखा हुआ एनुअल मतलब साल भर का है तो एक महीने का कितना होगा पॉइंट टू फाइव होगा मतलब आपका मैनेजमेंट खर्चा भी है तीन रुपया सालाना एनुअल एवरेज कॉस्ट है तो एक महीने का कितना होगा पॉइंट टू फाइव होगा तो पॉइंट टू फाइव हमारा कैसे भी कम हो जाएगा यानी पॉइंट सेवन वन माइनस पॉइंट टू फाइव पॉइंट फोर सिक्स आ गया ये आपका तो हमारा क्लोजिंग एनएवी क्या होगा सिक्सटी फोर पॉइंट सेवन फाइव हमारा

चलो ये हमें पता चला फिर ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ इसकी मदद से मैंने बीटा निकाला 1.5 दोनों की मदद से ठीक है बीटा 1.5 निकला मतलब मुझे पता चला 7.5 से हमारा स्टॉक गिरा क्योंकि वन पॉइंट से गिरा मार्केट का बीटा 1 होता है तो हमारा 7.5 परसेंट से गिरा अब जो स्टॉक में हमारा इन्वेस्टमेंट है सेवेंटी का वो सेवन से गिरेगा कैश थोड़े ना गिरेगा कैश में थोड़े ना बीटा लगेगा आपका कैश थोड़े ना गिरेगा कैश तो वही रहेगा पर खर्चा आपने किया ट्वेंटी पैसे का वन का मैनेजमेंट खर्चा तो आपका ये बैलेंस आया दोनों तो ये दोनों मिला देंगे वही तो एनएवी है हमारा पहले भी तो ये दोनों मिलाएगा ओपनिंग एनएवी आया था सेवन सेवन वन अभी ये वाला एनएवी आ गया नेक्स्ट वाला खुद से कर लोगे तो आई थिंक आप ये खुद से कर लोगे बस ये आपको पोर्टफोलियो के बाद ही होगा ये आपको ध्यान में रखना ठीक है तो ये क्वेश्चन का भी एक पार्ट करा दिया दूसरा पार्ट आप खुद से कर लीजिएगा आराम से आपसे मैनेज हो जाएगा तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में तो आप मुझे फटाफट से बताना कमेंट करके कि आज का सेशन कैसा रहा मज़ा आया या नहीं आया कितना हद तक समझ में आया क्या नहीं आया मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए अभी आप मज़ा आया या फिर बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया कुछ तो भी बता सकते हो क्या बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ कुछ कमी है तो वो भी बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ अच्छा ही है तो वो भी मैं सुनने के लिए रेडी हूँ कुछ कमी है तो वो भी मैं सुनने के लिए रेडी हूँ

कमेंट चाहूंगा प्लीज रिक्वेस्ट है एक ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिएगा कि मुझे आगे जाके लाइव लेना चाहिए ज्यादा कि रिकॉर्डेड पे फोकस करना चाहिए प्लीज मुझे अब ये बात बताइएगा लाइव ज्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए कि रिकॉर्डेड वाला और सेशन कैसा रहा यह भी प्लीज जरूर से बताएगा मजा आया या नहीं आया राजेश जी बहुत करा दिया आप और कितना उम्मीद रखोगे कुछ एक क्वेश्चन एक और इम्पोर्टेंट वो कोशिश करूंगा कराने की बाकी तो कर लोगे अब आप खुद से लाइव मजा आ रहा है क्या लाइव में ज्यादा चलो मिक्स्ड ओपिनियन है ना अच्छा ठीक है अब मुझे बताओ आप लोग आप लोग मुझे बताओ लाइव फोर में लाइव चाहिए कि रिकॉर्डेड चाहिए क्या डिमांड है आपकी अब मैं कंफ्यूज हूं लाइव जाऊं कि रिकॉर्डेड जाऊं फोर में फोर में लाइव जाए कि रिकॉर्डेड जाए लाइव जाए कि रिकॉर्डेड फोर में क्या सही लगता है आपको रिकॉर्डेड कि लाइव टाइमिंग वगैरह नहीं बताने वाला मैं मुझे खुद को नहीं पता नेक्स्ट है यहां पर भी ना लाइव रिकॉर्डेड पता ही नहीं चलेगा सर मतलब दोनों में खुश हो आप लोग ना चलो ठीक है सोच लूंगा मैं बाकी सारा चैट सेक्शन देख के मैं सोच लूंगा क्या ज़्यादा सही रहेगा तो आई थिंक आज का सेशन आप लोगों को मज़ा आया एंड म्यूचुअल फ़ंड अब आप मुझे लगता है कि आपको म्यूचुअल फ़ंड में ग्रिप है कई टाइम से ये मतलब आ रहा था मतलब रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर म्यूचुअल फ़ंड म्यूचुअल फ़ंड करा दीजिए कब कराओगे कब कराओगे कब कराओगे तो मैंने सोचा ठीक है जल्दी करा देता हूँ एंड आई थिंक आज का जो क्लास है हमने अच्छा खासा क्वेश्चन किया म्यूचुअल फंड का अच्छा खासा क्वेश्चन हमने कर लिया एंड आई होप आपको मजा आया मर्जर एंड एक्विजिशन ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ देख लीजिए ना वो निवेदिता जी आपने पढ़ाई क्यों नहीं की अभी वीडियो क्यों नहीं देखा अभी तो वीडियो नहीं रहेगा ये मैंने पहले ही कहा था ना ये वीडियो हटा दूंगा ठीक है देखता हूँ ये वीडियो रख दूंगा लेकिन फॉरक्स में अगर लाइव आऊंगा ना उसका वीडियो तो नहीं रखूंगा ठीक है अब सारे वीडियो रख दूंगा तो कैसे चलेगा यूट्यूब में सुनिधि वाला क्वेश्चन अभी नहीं करा सकता वो क्वेश्चन कहीं से तो क्लास लेके पढ़ा है ना ना कहीं भी नहीं पढ़ा सारा मतलब मैं यूट्यूब पे डिपेंडेंट हो गया सभी को ही एक आध क्वेश्चन खुद से मैनेज करो सुनिधि वाला क्वेश्चन सिंपल है देखता हूँ सेपरेटली उसका वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ट्राई करूंगा मैं सुनिधि वाला खुद भी कुछ कर लिया करो तो दो चार क्वेश्चन मोस्टली तो मैं करा ही देता हूँ मेघा जी कह रहे क्वेश्चन थर्टी सुनिधि वाला तो आप खुद से कर लो ना सिंपल है आपको आराम से समझ में आ जाएगा इसमें लेबर वर्क इसलिए करने का मन नहीं करते हैं। एक है एक ये कैल्कुलेशन लिखो डालते जाओ लिखो डालते जाओ आप खुद देखोगे आपको सब समझ में आएगा क्लास टेन का बच्चे भी कर लेगा सुनिधि वाला ये बट ट्राई तो करो खुद से क्लास टेन का बच्चा भी कर लेगा ये तो मजा आया ना आज का क्लास म्यूचुअल फंड अब हाथ में ग्रिप में होना चाहिए आपके उंगलियों पर होना चाहिए म्यूचुअल फंड अब आपके चलो तो फिर टाटा बाय बाय एवरीवन बस पढ़ाई दिल लगा के करना अभी को क्विट मत करना ये चीज़ ध्यान रखना अभी आपके पास सत्ताईस अट्ठाईस दिन बचे हुए इसको अच्छे से मेहनत करो कैपिटलाइज करो पिछले तीन महीने में क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा मायने नहीं रखता ये अट्ठाईस दिन आप ये लास्ट महीना जो लास्ट मंथ आप कितना अच्छे से पढ़ते ये बहुत मायने रखता है तो इस वक्त क्विटिंग वगैरह का ख्याल दिन, दिमाग में मत लाना अब ये समझ लो कि कितने बार हंड्रेड परसेंट प्रेपरेशन करके जाते तो भी पास नहीं होते कितने बार एट्टी परसेंट प्रेपरेशन में भी पास हो जाते क्विट तो मत कीजिए मुझे याद है मैं भी अपने टाइम में जब मैंने सेकेंड ग्रुप दिया था फर्स्ट ग्रुप दिया था जब भी मतलब एक होता ना अपने टाइम में मैं ऐसा कभी फेल नहीं हुआ पर मुझे याद है मेरे भी क्विटिंग का ख्याल मेरे भी दिमाग में आता था, था। ये इस बार छोड़ देता तो, हूँ अगली बार अच्छे से पढ़ूंगा और एग्जाम दूंगा पर अच्छा किया मैंने कभी क्विट नहीं किया और आपसे भी ये सजेस्ट करूंगा कि आता है ख्याल क्विट करने का मन करता है कि चलो अगली बार दे देंगे अच्छे से प्रिपेयर करके पर वैसा कुछ होता है नहीं है रियल में तो आप ये मन से ख्याल निकाल के आप अपना एग्जाम दीजिएगा जितना आपसे हो पाता है उतना मेहनत कीजिए और जितना आपका प्रिपरेशन होगा होगा आप एग्ज़ाम देने जाइए क्योंकि एग्जाम से बहुत एक्सपीरियंस भी मिलता है और एग्जाम दोगे तो पास हो जाओगे क्या पता है ना तो एग्जाम जरूर से दीजिएगा कोई भी एग्जाम से डरना मत एग्जाम से भागना मत नहीं तो कायर कहलाओगे है ना तो आप लोग कायर नहीं हो ये चीज़ को दिमाग में रखते हुए आप अपने प्रिपरेशन कीजिए और एग्जाम तो देना ही आप एग्जाम से भाग नहीं सकते आप ये चीज ध्यान में रखिएगा ठीक है चलो रख देंगे वीडियो मन तो नहीं था पर रख देंगे इतना बोलोगे तो रखना ही पड़ेगा चलो बाय बाय एवरीवन हाँ फिर मिलेंगे दोबारा बहुत जल्द